Innovation Part 4 Prima Innova Money. Without further ado, let's move on to the slides because I have to cover a lot of them. Welcome. A disclaimer first. Nobody can really teach anyone anything the best any speaker can do. Is to really assist the listeners in thinking. Welcome to Innovation Part Four. In this part, we will be discussing money. Why? Because it's the primary innovation which humankind has ever made in all of its history. Money, prima innova. In Hindi me Navrachna ka chota hissa aapke samne hazir hai. जिसमें हम धन की बात करेंगे या उर्दू में नुदरत सीरीज का चौथा हिस्सा हाजिर है जिसमें हम दौलत के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मेरे ख्याल में इंसानों की सबसे बड़ी नुदरत सबसे बड़ी नवरचना है सो द एजेंडा इन दिस पार्क वील बी कवरिंग मनी एज द प्राइमरी इनोवेशन मनी एज रेप्रेजेंटेशन मनी एज पावर एंड मनी एज डेथ i would be going rather fast compared to the speed that i maintained in the previous parts because if i go by that speed i probably will never finish this because this is going to be very long i did think that i sh could have you know actually broken up uh, this presentation in uh, multiple parts i did think of that but then you know you always have the choice of stopping and restarting uh, uh, this uh, presentation

एक बुनियादी नुदरत एक बुनियादी नवरचना के तौर पे देखेंगे जो मनुष्य जाति की सबसे बड़ी नवरचना है जो इंसानों की सबसे बड़ी नुदरत है मेरे ख्याल से इसमें हम सबसे पहले धन्य दौलत को प्रतीक के तौर पे देखेंगे चिन्ह के तौर पे, लक्षण इशारा रम्स निशान अलामत प्रतिरूप प्रतिनिधि बेसिकली रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स तो एक हम सबसे पहले हम वो देखेंगे उसके बाद धन या दौलत बतौर ताकत के हम उसको देखेंगे और फिर बतौर कर्ज के हम उसको देखेंगे ये व्याख्यान जो है मैं काफी हद तक हिंदी उर्दू यानी हिंदुस्तानी में आपकी खिदमत में प्रस्तुत करूंगा और ये इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टाफ इज ऑलरेडी अवेलेबल इन इंग्लिश वट एवर आई एम कवरिंग इन दिस पीपीटी इज ऑलरेडी Covered in English elsewhere, and uh, you can see the URLs uh, on uh, this slide here. Uh, so most of the time, I'll be talking in Hindi-Urdu, that's Hindustani, and I'll be repeating important things in English. तो जनाब ये है, I hope के आप लोगों को मेरा ये तरीका पसंद आएगा. तो सबसे पहला सवाल ये है कि धन या दौलत होता क्या है? What is money? Let's define that first. तो धन या दौलत ये होता है शायद रुपए नोट आ, सिक्का ये होता है या फिर ये के सोना चांदी क्या चीज होती है धन दौलत ये एक बड़ा अहम सवाल है आई एम श्योर दैट यू विल रिमेंबर द स्टोरी ऑफ किंग मिडास हु एक्चुअली आस्ट फॉर अंड रिसीव्ड इट दैट वॉट एवर ही टचेज टर्न्स टू गोल्ड राजा मिडास की कहानी शायद आपने पढ़ी होगी सुनी होगी जिसमें उसने एक बून ये मांगा था एक वचन उसको ये मिला था भगवान की तरफ से कि जिस चीज को वो छुएगा वो सोने की हो जाएगी अल्लाह मिया ने उसकी मर्जी मान ली थी वॉट एवर so, जो भी छूता था वो सोने का हो जाता था हद ये कि खाना छुआ तो वो तक सोने का हो गया और उसके बाद हद तो ये हुई कि जब उसकी बेटी भागती हुई आई तो उसने उसको छुआ तो वो भी सोने की हो गई उसके बाद फिर बेचारा राजा बैठ के रोने लगा कि अब तो मैं जिसे छूता हूं वो सोना हो जाता है अब मैं तो खाना भी नहीं खा सकता मैं प्यार भी लोगों का रिसीव नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं व्हाट शुड आई डू एंड दैट्स व्हेन ही गॉट द रिवर्सल ऑफ द बून और उसके बाद उसे कहा गया कि भाई ये जग में से पानी तुम बेटी पे डाल दो तो वो असली हालत में वापस आ जाएगी एंड and, and eventually एंड एवेंचुअली out आउट दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग पैसा ही सब कुछ नहीं होता है धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता है तो ये हमारे जहन में बड़ी सारी अलग अलग गुत्थियाँ लोग हमारे जहन में डाल देते हैं और हमारी समझ में आता नहीं है कि पैसा है क्या रुपया है क्या धन है क्या दौलत है क्या तो आइए हम इसकी कुछ परिभाषाओं को जानने की कोशिश करते हैं लेट्स गेट एट टू समेनेशन क्योंकि बिना परिभाषाओं के हम किसी चीज को समझ नहीं सकते तो ये स्लाइड में पहले भी दिखा चुका हूं कि इनोवेशन या नवरचना या नुदरत जो है वो आपके इंसान की जबिलत की एक बड़ी अहम कड़ी है बहुत अहम चीज है इंसान के लिए इनोवेट करना बहुत जरूरी होता है और ये दुनिया का सबसे पहला स्टैंडर्डाइज रुपया माना जाता है शेरशाह ने इसको स्टैंडर्डाइज किया था या चालू किया था इसके बाद से पैसे के बहुत रूप बदले इसके पहले भी बहुत से रूप थे और आज हम पैसे की कहानी कहेंगे यानी हम आज कहेंगे दास्तान दौलत आइए वेल सो हियर यू हैव a slide which gives you formal definition of money a medium that can be exchanged for goods blah 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 there are further slides to this i will not be reading it i will not be explaining it all this stuff can be found in economics textbooks or you can check it on internet you'll find all of that stuff the reason it is there is because i am driving to a particular definition that we or i am comfortable with a simple definition so i won't be reading all this ये काफ़ी सारे स्लाइड्स आएंगे आपके सामने जिसमें मनी की अलग अलग पैसे की दौलत की अलग अलग डेफिनेशंस होंगी मैं उनका ट्रांसलेशन नहीं करूँगा वो परिभाषाएं आपको हिंदी हिंदुस्तानी उर्दू में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उनको कहीं भी ढूंढ सकते हैं मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि हम अपनी अपनी खुद की डेफिनेशन पर जाना चाह रहे हैं आ, जिस पर के हम अब पहुंचने जा रहे हैं तो दौलत या धन क्या है एक प्रतीक है एक चिन्ह है एक प्रतिरूप है एक अलामत है एक रमज है एक इशारा है मतलब ये, कि ये असल में नहीं है क्योंकि अगर असल में होता इसकी कोई असलियत होती चिन्ह से अलग प्रतीक से अलग रमज से अलग अलामत से अलग इशारे से अलग निशान से अलग तो आप इसको बर्गर में डाल के खा सकते थे मगर आप वो नहीं कर सकते ऐसा भी वक्त गुजरा है जब के जो नोट आपके हाथ में है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती यानी एक बात तो हमने ये डिस्कस करी ली कि अगर आपको बहुत भूख लग रही है और सिर्फ नोट है तो आप नोट खा नहीं सकते आपको वो किसी को देने पड़ेंगे और वो आपको उसके बदले कोई चीज देगा जो शायद आप खा सकेंगे कभी कभी वो नोट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त नोटों की वैल्यू इतनी कम हो चुकी थी कि उनसे आप इतनी लकड़ी नहीं खरीद सकते थे कि आप ठंड दूर कर सकें अपने घर की ये खातून जो हैं, ये नोट डाल रही हैं अपने हीटर में बिकॉज द द फ्यूल दैट यूल बाय विद दैट मेनी नोट्स वुड गिव लेस वॉर्म्थ पेपर इट सेल्फ विच यूर यूजिंग इस पैसे की वैल्यू इतनी कम हो चुकी थी तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है जो कभी आप उसको यूज कर सकते हैं उसके बदले में असली चीज ले सकते हैं कभी उसके बदले में आप असली चीज नहीं ले सकते इसको आप कुछ यू भी समझ सकते हैं कि आप के पास एक शर्ट है जो किसी हद तक गंदी हो चुकी है अब आपको उसे धुलवाना है आप उसको ले जाके और लॉन्ड्री वाले के पास दे आए लॉन्ड्री वाले ने आपको एक रसीद दे दी अब आप वो रसीद पहन तो नहीं सकते ना आप उस रसीद को सिर्फ ले जाकर लॉन्ड्री वाले से अपनी शर्ट वापस ले सकते हैं और फिर उसके बाद उसको पहन सकते हैं तो वैसा इस तरह का चिन्ह इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है और अगर लॉन्ड्री में आग लग जाती है या लॉन्ड्री वाला भाग जाता है सबकी शर्ट्स लेके तो फिर आपको वो शर्ट वापस नहीं मिलेगी आप उस रसीद को तो किसी वक्त नहीं पहन सकेंगे सो दैट्स व्हाट इट इज अब हम ये देखते हैं कि ये एक्चुअली पैसा जो है जब शुरू हुआ था जब से लेके आज तक उसमें कोई बदलाव आया है कि नहीं है ऑफकोर्स इट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट पहले जिस चीज के लिए इस्तेमाल होता था आज हमारी जरूरियात बदल चुकी हैं आज हम पुराने जमाने के पैसे को इस्तेमाल करें तो शायद हम उसको अच्छी तरह यूज ना कर पाएंगे जैसे कि अगर आप जम्बोजेट के अंदर ये ये सबसे पहले वाले पहिए लगाएं तो शायद आपका जम्बोजेट जो है वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा धड़ से गिर जाएगा लैंड करना और टेक ऑफ करना तो कोई यानी इंपॉसिबल ही है तो पैसा जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब संभावित मुमकिन तो ये निशान है किसी चीज का जो मुमकिन है मसलन ये कि जब इन साहब की हुकूमत थी इराक के ऊपर तो इस पैसे में इस नोट में कोई पोटेंशियल था आप इसको जाते इसको लेकर जाते और किसी इराक की बगदाद की दुकान पर खड़े होते तो ये इम्कान था कि वो उसको ले लेकर अच्छा खासा इम्कान था कि वो आपको उसके बदले में कोई चीज दे देता लेकिन आज की तारीख में जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत वहां नहीं है तो उसको कोई नहीं लेगा तो ये पोटेंशियल हैजबिन बेलाइट अब आप उस इमकान को उस संभावना पर पूरे नहीं उतर सकते वो आपकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकता वो नोट

के बारे में वहां पर एक संभावना होती है कि वो चीज आप ले सकें मसलन आप इस नोट के बदले ज्यादातर प्यार नहीं खरीद सकते इसके बदले आप खुशी नहीं खरीद सकते इसके बदले आप वक्त नहीं खरीद सकते तो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिक नीड एंड वांट फुलफिलमेंट आपकी जरूरियात और चाहते जो कि इकोनॉमिक इन नेचर हो आपकी जरूरियात और चाहते जो के इकतियात से मालियात से रिलेटेड हो उनकी उनको संभावना है कि उनको आप पूरा कर सकते हैं इस प्रतीक के जरिए दैट्स वॉट मनी इज अ रेप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिक नीड एंड वॉन्ट फुलफिलमेंट अब ये सब चीजें जो हैं ये मैंने एक दूसरे आ, प्रेजेंटेशन में कवर की हैं एक दूसरी टेक्स्ट मूवी में मैंने कवर की हैं जिसके अंदर के मैंने नीड और वांट के बीच का फर्क आ, साफ करने की कोशिश की है तो आप चाहें तो इसका लिंक मौजूद है आप उसको देख सकते हैं बट इट इज इन इंग्लिश अंग्रेजी में है वो आ, आ, आप आ, अगर चाहते हैं कि उसका हिंदी रूपांतर आ, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, तो कृपया आप एक नोट डाल दें वहाँ पे यानी रुपये वाला नोट नहीं बट जस्ट वहाँ पे लिख दें कि भाई आ, रिमार्क डाल दें कमेंट डाल दें कि आप इसको हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी में करके डालिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं वो डाल सकूँ तो मैं अब पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ अब इसके बाद मैं अगले पॉइंट पे उछल रहा हूं यानी हमने दौलत बतौर एक प्रतीक हमने इस बात को डिफाइन कर लिया इस बात को समझ लिया अब हम जाएंगे दौलत या धन बतौर एक पावर के बतौर एक ताकत के और उसके लिए हमको दूसरी पावर्स को जरा सी देर के लिए डिस्कस करना पड़ेगा ताकि मैं ये समझा सकूं कि ताकत का मतलब मेरी मेरी नजर में क्या है तो सबसे पहली पावर जो है वो तो है कोर्सिव पावर यानी जबरदस्ती करने की ताकत बलपूर्वक किसी को किसी बात के लिए मजबूर करने की ताकत अगर है तो हम उसे कोर्सिव पावर कहते हैं आज की तारीख में हमने वो कोर्सिव पावर स्टेट को रियासत को सीड कर दी है यानी सीईडी सीड यानी हमने उसको दे दी है अब हम वो ताकत खुद इस्तेमाल नहीं करते आज से हजार साल पहले मैं चाहता तो शायद अपनी ताकत खुद इस्तेमाल कर सकता था लेकिन सामने वाला फिर अपनी ताकत मेरे ऊपर इस्तेमाल करता मैं अगर बहुत सारे लोगों को मजबूर कर देता तो मैं बड़ा कॉन्करर कहलाता जिस तरह के सिकंदर आजम कहलाता है अलेगजांडर द ग्रेट या चंगेज खान कहलाता है लेकिन आज की तारीख में यह पावर सिर्फ रियासत इस्तेमाल कर सकती है अंदरून मुल्क यानी अपने बॉर्डर्स के अंदर नॉर्मली पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है बॉर्डर्स के बाहर आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आर्म फोर्सेस को अंदरून मुल्क भी अपने बॉर्डर्स के अंदर भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन वो सिर्फ मजबूरी में तो ये या इस किस्म की एजेंसीज को ही केवल बल इस्तेमाल करना अलाउड है और वो भी विद इन द ऑफ लॉ के आप लॉ के अंदर रहकर ही कानून के दायरे में रहकर ही वो लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं तो इवन जब रियासत के बिहाफ पे पुलिस कुछ करती है तो भी उसको लॉ का एहतराम करना पड़ता है किसी के भी घर में वो कभी भी दाखिल नहीं हो सकती किसी भी औरत को उठा के नहीं ले जा सकती चाहे वो कोई बड़ी गुंडी ही क्यों ना हो नहीं उठा के ले जा सकती तो उस सब का एक रूल होता है एक उसके तहत वो इस्तेमाल कर सकती है दूसरे आप कितने भी सीनियर हो आर्म फोर्सेस में या पुलिस में आप पर्सनली उस ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्टर जनरल पुलिस अपनी बीवी को थप्पड़ नहीं मार सकता अगर वो चाहे तो उसको ले जा सकती है अदालत में जनरल ऑफ इंडियन आर्मी जो है वो अपने अर्दली के बच्चे को पत्थर फेंक के नहीं मार सकता तो ये जो है कोर्सिव पावर या बल इस्तेमाल करने का आज की तारीख में तरीका है. ये अगर तरीका कोई तोड़ता है तो हम आज उसको गुंडा कहते हैं एक जमाने में जैसा कि मैंने कहा हम अगर ये करते जो बड़ा कॉन्करर होता सिकंदर आजम कहलाता उसकी बड़ी इज्जत होती लेकिन आज की तारीख में आप उसे सिर्फ गुंडा कहते हैं यह ताकत जो है यह आपके बाजू में मुजमिर है दिस इज रेप्रेजेंटेटिव ऑफ योर आर्म और द आर्म इज रेप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पावर तो ये रही पहली पावर यानी कोर्सिव पावर अगली ताकत जो है वो है मुनजम करने की ताकत संगठित करने की ताकत ऑर्गेनाइजेशनल पावर तो इस पावर से आप क्या अचीव कर सकते हैं इस पावर से जैसा कि गांधी जी ने किया लोगों को संगठित करके अपने साथ लिया और हमें आजादी दिलवाई आज की तारीख में जो आदमी हमको अच्छे से संगठित कर लेता है वो पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है इलेक्ट हो जाता है वो पार्लियामेंट में पहुंच जाता है और अगर और ज्यादा पावर मिल जाती है उसको तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है गवर्नमेंट बना लेता है तो उससे क्या होता है जब आप लोगों को संगठित करते हैं तो फिर आप लॉज बना सकते हैं जिसके के नीचे जैसा कि आपने देखा कोर्सिव पावर भी रहती है तो संगठित करने की पावर जो है एक तरह से हम देखें तो ये इंसानों के पावों में पैरों में लेग्स में आ, ये मौजूद होती है एक तरह से अगर आपके अंदर इतनी पावर है कि आप दूसरे लोगों को अपने साथ लेके चल सकें तो फिर आप इस पावर में इस ताकत में पारंगत हैं इसके हुनर में पारंगत हैं तो आ, ये जो आप पांव देख रहे हैं ये किसके हैं इसको आप अगर पूरी पिक्चर को देखें तो ये गांधी जी महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह पर जा रहे हैं और ये तो हम सब जानते ही हैं कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट उसके बाद से हमें हम आज़ादी के रास्ते पर चल पड़े उसके बाद अंग्रेजों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब इन लोगों को आजाद करना पड़ेगा तो ये थी ऑर्गेनाइजेशनल पावर तीसरी तरह की पावर जो है वो एक्यूमुलेटिव पावर एक्यूमुलेशन यानी ये के जमा करना इकट्ठा करना थर्ड काइंड ऑफ पावर इज अक्यूमिलेटिव पावर टू बी एबल टू अक्यूमलेट थिंग्स तो लोगों को अगर आपने जमा किया इकट्ठा किया संगठित किया तो वो हो गई ऑर्गेनाइजेशनल पावर और अगर आपने चीजों या उसके रिप्रेजेंटेशन को आपने इकट्ठा किया तो वो हो गई टिव पावर तो गोल्ड सोना जो है वो एक अच्छा प्रतीक है धन का दौलत का आपने वो इकट्ठा कर लिया तो अच्छा accumulation हो गया तो अब तो हद ये है कि इंसान भगवान को भी एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है एक्यूमुलेशन एकटिव पावर चीजों को इकट्ठा करने की ताकत जमा करने की समेटने की ताकत जो है वो आज की तारीख में इंडिविजुअल्स के पास मौजूद है हर इंडिविजुअल के पास किसी ना किसी हद तक मौजूद है जैसा हमने देखा कोर्सिव पावर हर इंसान के पास मौजूद नहीं है अब तो इंसानों के पास मौजूद है ही नहीं बेसिकली रियासत के पास मौजूद है स्टेट के पास मौजूद है कंट्री के पास मौजूद है लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल पावर थी वो किसी ना किसी हद तक इंसानों के पास इंडिविजुअल्स के पास मौजूद थी लेकिन हर एक उसके हुनर में पारंगत नहीं होता हर एक हुनर में नहीं होता लोगों को एक इकट्ठा करने मुनजिम करने में लेकिन चीजें तो हर कोई इकट्ठा कर लेता है लोगों में असल में प्रॉब्लम क्या है कि आप इकट्ठा करो तो लोग भाग जाते हैं अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं चीज इकट्ठा कर ली तो फिर वो आपके पास रहती है भाग नहीं जाती जब तक कि कोई आपसे वो ले न ले या आप अपनी बेवकूफ़ी से उसको दे ना दे तो ये पावर जो है निस्बतन आसान है लेकिन एक बार आपके पास बहुत ज्यादा हो गई तो इनफैक्ट आप उससे अपनी प्राइवेट आर्मी भी खड़ी कर सकते हैं जो कि किसी ना किसी हद हाँ तक उसको आज के जमाने में एक्स्ट्रा लीगल कहा जाएगा लेकिन आप अपने सिक्योरिटी दस्ते तो बना ही सकते हैं कोई आपको रोकेगा नहीं अपनी सिक्योरिटी फोर्स बनाने से आज की तारीख में आप मॉल में जाएं तो उनकी अपनी सिक्योरिटी मौजूद होती है और वो आप की पिटाई ना सही लेकिन आपकी आपकी इज्जत तो उतारी सकते हैं तो और, और और कम से कम जब तक पुलिस ना आ जाए जब तक आपको रोक के भी रख सकते हैं वो लोग तो एक तरह से वो एक प्राइवेट आर्मी ही है ये कैसे आई एक्यूमलेटिव पावर से जमा करने की इकट्ठा करने की ताकत से चीजों को इकट्ठा करने की ताकत से या चीजों के प्रतीकों को यानी पैसे को धन दौलत को इकट्ठा करने की ताकत को और इंसानी जिस्म में आ, जो ऑर्गन एक तरह से आ, इस पावर का प्रतीक है वो है आपका पेट आपकी तोंद आदमियों की औरतें जनरली पेट पे उतना फैट इकट्ठा नहीं करती दूसरी जगहों पे ज़्यादा करती हैं आदमी लोग अक्सर जो है वो तोन पे ज़्यादा इकट्ठा करते हैं पेट पे ज़्यादा इकट्ठा करते हैं सो दिस द स्टमक इन अ वे इज द टमी इज दबडमन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अक्ूमुलेटिव पावर अब एक चीज हमको और इस मौके पर समझ लेनी चाहिए कि हम लोग uh, जो जा चाहते हैं कि आज की तारीख में हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए और आईटी चला में चला जाए और आई से एमबीए कर ले वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि इसके बाद हम पैसा कमा सकें इसके बाद हम धन दौलत कमा सकें इसके, सके। इसके बाद हमारा बच्चा धन दौलत कमा सके तो एसेंशली वो एक तरह का एक्यूमुलेटिव पावर को बढ़ाने का एक तरीका होता है आमतौर पे ये जो आप सारे सोशल सिस्टम सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम्स जो आप देखते हैं ये बड़ी हद तक दौलत को किस तरह मैनेज करना है उसके ऊपर मबनी होते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल इंसानों के पास यही तो एक इंडिविजुअल्स के पास हमने यही तो एक ताकत छोड़ी है और अच्छी बात है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सड़क का गुंडा मेरे घर में घुस के जो चाहे करे मैं प्रेफर करूंगा कि पुलिस मौजूद रहे और उस आदमी को रोके उसके बदले अगर मुझे मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए धन दौलत कमाने के लिए वो प्रतीक बनाने के लिए जिससे कि मैं कुछ चीजें खरीद सकूं या ज्यादा सपोर्ट पा सकूं अपनी प्राइवेट फोर्सेस से या इवन रियासत की फोर्सेस से मेरे पास अगर ज्यादा पैसा है अगर मैं अमीर आदमी हूँ इज्जतदार आदमी हूँ तो पुलिस वाले भी मेरी इज्जत करेंगे भाई इंसान ही है वो तो ये सिस्टम्स जो हैं आप देख रहे हैं किस तरह के होते हैं कैपिटलिज्म में जिसके पास पैसा होता है उसी के पास कोर सिर्फ ताकत पावर भी होती है क्योंकि कैपिटलिज्म के सिस्टम में आपकी या तो अपनी प्राइवेट आर्मी होगी नहीं होगी तो इवन जो रियासत है वो आपको ही सपोर्ट करेगी सोशलिज्म में जिसके पास पैसा होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो जाके है वो बंदूक रख देती है कि पैसा निकालो तो ये दो अलग किस्म के सिस्टम है सोशलिज्म कह लें कम्युनिज्म कह लें जो भी कह लें बहरहाल दैट वाज द लाइट हार्टेड व्यू ऑन दैट चौथे किस्म की पावर पर अब हम पहुंच गए हैं तो ये चौथे किस्म की पावर जो है ये है नॉलेज या विजडम की द फोर्थ पावर इज नॉलेज और विजडम नॉलेज यानी ज्ञान हिकमत तो ये पावर जो है इसको हम मानते हैं कि ये एक तरह से दिमाग पर केंद्रित होती है और वहाँ से निकलती है लेकिन एक बात हमें यहाँ ध्यान रख में रख लेनी चाहिए कि दिमाग से निकली हुई ताक़त दो तरह की होती है एक तो जानने वाली और एक मानने वाली यानी एक ज्ञान की और एक मान्यताओं की एक इल्म की और एक अकैदे की तो आम तौर पे होता ये है कि अकीदे की दुकान लगाने वाले जो हैं वो हमको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो असल में इल्म फैला रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है जिसको मैं और भी कई जगह कवर कर चुका हूँ एक छोटा सा स्लाइड इसके ऊपर यहाँ पर भी मैंने डाला हुआ है देखें नॉलेज जो है इल्म जो है ज्ञान जो है दैट कैन बी कॉल्ड एज जस्टिफाइड बिलीव तो ये दो जो सर्कल हैं ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ मैंने नॉलेज लिखा हुआ है मतलब ये कि ऐसी मान्यता जिसके बारे में आपके पास सबूत हो और नीला एरिया उस सर्कल का जो है प्योर नीला एरिया जो है वो ऐसा एरिया है जो सिर्फ आप मानते हैं जिसके बारे में कि आपके पास सबूत नहीं है एविडेंस नहीं है प्रमाण नहीं है इस पूरे सर्कल के अलावा जो लाल हिस्सा है वो उस सच्चाई का उस हकीकत का हिस्सा है कि जिसको कि हम समझ ही नहीं सकते इस चीज को मैंने कई जगह डील किया है और मेरे ही साइट पर आप देख सकते हैं थ्री लेवल्स ऑफ ट्रूथ तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में इस वक्त नहीं जाऊँगा लेकिन इस बात से आपको पूरी तरह यानी इस बात के बारे में आपको पूरी तरह अवेयर रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है जानने में शामिल है कौन सी मानने में कौन सी चीज़ ज्ञान है कौन सी चीज़ मान्यता है कौन सी चीज़ इल्म है कौन सी चीज़ अकीदत है तो जो मान्यता है उसको तो एक तरह से उसकी छुट्टी कर देना बेहतर होता है क्योंकि अगर कोई ऐसी मान्यता जो जिसका कि आपके पास सबूत नहीं है या जो सबूत के खिलाफ है ऐसी मान्यता आपको सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकती है फायदा नहीं पहुंचा सकती में इल्म ज्ञान नॉलेज विजडम ये सब दिमाग में सर में रहते हैं तो सर जो है इनका एक तरह से प्रतीक हो गया तो चार चीजें हमने समझी के कोर्सिव पावर बाजू पर केंद्रित है ऑर्गेनाइजेशनल पावर पाव पर लेग पर आ, केंद्रित है उसके अलावा अक्यूमुलेटिव पावर जो एक तरह से स्टमक के ऊपर केंद्रित है या स्टमक को उसका आ, प्रतीक आप मान सकते हैं और चौथी पावर जो कि है आ, आपकी अक्ल की दिमाग की ज्ञान की पावर इनफैक्ट अगर आप देखें तो भारत में जो पुराना वर्ण सिस्टम था वो इन्हीं चार पावरों के ऊपर केंद्रित था एक तरह से इन्हीं के बेसिस पे बनाया गया था बदकिस्मती से वो बाद में फिर एक तरह से आ, उस चीज़ को जो के एविडेंस से शुरू हुई थी ज्ञान से शुरू हुई थी उसको मान्यता मान लिया गया और उसके बाद फिर कास्ट सिस्टम जो है इट बिकेम कास्ट इन स्टोन और उसके बाद लोग जो है ये मानने लगे कि नहीं पैदाइश से ही आदमी ब्राह्मण हो सकता है इस बात के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोगों ने आ, अपनी आवाज़ उठाई मसलन बुद्ध ने बहुत क्लियरली ये कहा कि पैदाइश से कोई ब्राह्मण नहीं होता अपने uh, कर्मों से आदमी ब्राह्मण होता है सो so, ये चीज़ जो है सोचने के लिए ज़रूरी है इसको हम किसी और दफा डिस्कस करेंगे बट टू अप मनी इज अ रेप्रजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिक नीड एंड वांट फुलफिलमेंट ये हमने जो है डेफिनेशन दी थी ये परिभाषा हमने दी थी जब हम एज़ अ रिप्रेजेंटेशन पैसे को समझ रहे थे उसके बाद फिर हमने पैसे को समझा बतौर ताकत के जब हमने ये कहा कि भाई आ, पावर एक्ूमलेटिव पावर इज़ मनी या दौलत जो है वो जमा इकट्ठा करने की ताकत का नाम है तो ये तो रहे दो तरीक़े पैसे को समझने के अब हम आ जाते हैं एक और सवाल पर कि अगर धन दौलत ये दो चीजें हैं एक रिप्रेजेंटेशन और एक पावर तो फिर अमीर होने का मतलब क्या है वट एग्जैक्टली इज बींग रिच इज इट अर्निंग मनी क्या दौलत कमाना धन कमाना ही आ, अमीर होने की परिभाषा है क्या अमीर होने का मतलब धन कमाना है अगर आपने धन कमा लिया तो अमीर हो गए या इतने लाखों रुपए आपने पर ईयर कमा लिए इतने करोड़ों रुपए आपने पर ईयर कमा लिए इसका मतलब है अमीर होना या उतने ही करोड़ रुपए पर मंथ आपने कमा लिए उसका मतलब है अमीर होना या ये कि उतने ही करोड़ रुपए आपने रोज कमा लिए हर दिन कमा लिए उसका मतलब है या इतना ढेर सारा धन होना भाई इतनी सारी ज़मीन है इतने सारे मकान हैं इतने महल हैं इतने आइलैंड्स हैं इतनी गाड़ियाँ हैं वगैरह वगैरह इतनी कंपनियाँ हैं तो क्या इसका मतलब है अमीर होना क्या इसका मतलब है आपकी अर्निंग का मतलब है अमीर होना रिच होना या यानी आपकी कमाई का मतलब या आपकी नेटवर्क का मतलब है यानी कुल धन दौलत जो आपके पास है किसका मतलब है अमीर होना या अमीर होना सिर्फ इस चीज को कहते हैं कि आपकी कमाई आपके खर्चे से ज्यादा हो क्योंकि देखें अगर मैं एक लाख रुपए दिन भी कमा रहा हूं और मेरा खर्चा अगर सवा लाख रुपए दिन है तो मैं अमीर तो नहीं हो सकता ना चार दिनों के अंदर मेरे ऊपर एक लाख का कर्ज हो जाएगा चार सौ दिन चार सौ दिनों में एक करोड़ और उसके ऊपर यानी उसका इंटरेस्ट भी लेकिन अगर मैं हजार रुपए महीना कमाता हूं मेरा खर्चा लेकिन सिर्फ पांच सौ रुपए महीने का है तो हर महीने मेरे पास पांच सौ रुपये एक्स्ट्रा होंगे यानी हर महीने जो कि मैं कमाता हूं मैं एक महीने एक एक्स्ट्रा महीने का खर्चा इकट्ठा कर रहा हूं तो यह बात सोचने लायक है मेरी परिभाषा के हिसाब से मेरी डेफिनेशन के हिसाब से अमीर होने का मतलब यही होता है कि आपकी कमाई आपके खर्चे से ज्यादा हो तो अब एक जरा सी चीज और देखने की कोशिश करते हैं यह स्लाइड जो हमने पहले भी देखा था कि टेक्निकल क्रिएटिविटी और इकोनॉमिक फीजिबिलिटी का इससे पहले वाले हिस्सों में मैं ये स्लाइड दिखा चुका हूं वो इनोवेशन है और अगर हम इनोवेट करते हैं तो हमें धन मिलता है दौलत मिलती है और हमने अब धन को समझ लिया उसकी हमने तारीफ अच्छे से समझ ली है उसकी परिभाषा हमने अच्छे से समझ ली है वी हैव डिफाइंड मनी और दो तरीके से एक तो एज अ रिप्रेजेंटेशन बतौर एक प्रतीक के बतौर एक चिन्ह के बतौर एक अलामत के बतौर एक इशारे के बतौर एक प्रतिरूप या प्रतिनिधि के उसके अलावा हमने पैसे रुपए दौलत धन को समझा है एज पावर बतौर ताकत के अब ये दो चीजें हमने समझ ली हैं हमने ये भी समझ लिया है कि अमीर होने का मतलब क्या होता है तो बिलाखिर क्या इनोवेशन का मतलब या इस सारी चीज का मतलब सिर्फ ये है कि हमारा कैश फ्लो जो है पॉजिटिव रहे और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होता चले जाए चला जाए इज द बेसिक आइडिया

फिर एक बार हमें पूछना पड़ेगा वट इज मनी लेट्स गो टू द डेफिनेशन बट वट रियली इज मनी बिहाइंड द कर्टन धन दौलत असल में क्या है सचमुच में क्या है उस पर्दे के पीछे जो सारे वक्त हमारी आंखों पर डला रहता है तो जनाब जिंदगी के लिए दो चीजें बड़ी अहम हैं एक तो प्यार और एक पैसा लव एंड मनी मोहब्बत और दौलत तो यही दो चीजें हैं जिनके बारे में हम क्यों बात नहीं करते आप देखें कि हमारा जो आ, न, जो भी हमारा डिस्कशन चलता है हमारी दुनिया में उसमें जब बात आती है प्यार की तो फौरन हम सब छुप जाते हैं मुंह छुपा के बात करते हैं है ना आप किसी का कत्ल कर देंगे आप किसी मुल्क पे चढ़ाई कर देंगे तो वो तो बन जाती है फ्रंट पेज न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज में टीवी वाले सारे टाइम आपको दिखाते रहते हैं लेकिन प्यार के बारे में तो कभी हम लोग बात ही नहीं करते ये किस किस्म की हमारी सोच है कि प्यार तो छुप के करो और कत्ल खुलेआम करो अस प्रॉब्लम क्या है हम लोगों को अरे भाई अगर हमारे लिए मोहब्बत इतनी बड़ी चीज है तो वो जैसी भी मोहब्बत है उसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए मगर नहीं करते उसी तरह धन क्या है दौलत क्या है उसके बारे में बात करनी चाहिए समझना चाहिए उसको मगर उसके बारे में भी बात नहीं करते ए, कुछ कुछ तो यकीनन हमारे अंदर प्रॉब्लम है तो अब प्यार के बारे में तो मैं दूसरी सीरीज में बात करता ही रहता हूँ मेरे दूसरी दूसरे वीडियोज जो हैं उसमें ज्यादातर मैं प्यार की बात करता हूँ अलग अलग अकसाम के प्यार की तो इस दफा ये जो बचा हुआ मेरा वीडियो है इस वक्त मैं पैसे की ही बात करूंगा सो so, द की क्वेस्चन वे डज मनी कम फ्रॉम धन आता कहा से है दौलत आती कहां से है अच्छा सवाल है लेकिन हमें तो यही बताया जाता है कि टकसाल से अरे भाई सरकार छापती है टकसाल से फिर सरकारी खजाने में पहुंचता है बैंकों में पहुंचता है पता नहीं कहां कहां से आ जाता है बहरहाल हमारे हाथ में तो भाई इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी एक रॉशिल्ड बड़े बैंकर थे जिनके बारे में आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि परमिट मी टू इश्यू एंड कंट्रोल द मनी ऑफ अ नेशन एंड आई केयर नॉट हु मेक्स इट्स लॉज यानी ये किसी भी मुल्क का सिक्का मुझे बनाने दो मुझे चलाने दो और उसके बाद उस मुल्क के क्या कानून है कौन बनाता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बात आप देखेंगे कि रोज़ की जिंदगी में सादक आती है हमें न ये बात क्लासों में पढ़ाई जाती ना घर पे पढ़ाई जाती कहीं नहीं पढ़ाई जाती तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि मनी सिस्टम आज की तारीख में है क्या वट इज द मनी सिस्टम टूडे बेसिकली आज की तारीख में जो धन है जो दौलत है जो सिक्का है यानी सिक्का मतलब सिर्फ सिक्का नहीं बल्कि नोट भी यानी जो करंसी है वो जो है और इनफैक्ट जो पूरी मनी सप्लाई है वो सारी की सारी उधार के ऊपर बेस की गई है लोन्स एंड मॉडगेजेस बहुत अहम चीज है ध्यान से समझने की कोशिश करें मनी एज डेट एक बहुत अच्छी वीडियो फिल्म है जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी उसका लिंक भी मैं दे चुका हूं पहले इसी हिस्से में इसी वीडियो में मैं आपको उसका लिंक दे चुका हूं अंग्रेजी में है और उसमें से मैंने बहुत सारे अगले स्लाइड्स लिए हैं क्रेडिट्स में मैंने मेंशन किया है उन साहब का नाम भी तो बहुत बहुत शुक्रिया और इसी वजह से मैं ये वाली ये वाला हिस्सा जो है हिंदुस्तानी में कर रहा हूं हिंदी में कर रहा हूं उर्दू में कर रहा हूं ताकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग इस बहुत अहम इस बहुत काम की चीज को समझें जो हमारे लिए कोई करके रख के गया है उसको समझें सो मनी एज डेट एंड नाउ अगेन आई विल इंक्रीज माय स्पीड फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड ऑनवर्ड्स तो अब देखें हम पैसे की पैदाइश की बात कर रहे हैं अब कि पैसा पैदा कैसे होता है एक बैंकर साहब अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं आप पहुंचते हैं ब, बमाए अपनी बेगम और अपने बच्चे के आपको किसी चीज के लिए मसलन घर बनाने के लिए आपको लोन चाहिए बैंकर साहब आपके सामने एक फॉर्म रखते हैं आप उसको साइन करते हैं जैसे ही आपने ये साइन किया आपने अपना घर अपनी गाड़ी और इनफैक्ट देखा जाए तो अपने बच्चे का भविष्य आपने एक तरह से गिरवी रख दिया उस बैंकर के पास बैंकर साहब वो पर्चा उठाते हैं उसको ले जाते हैं और एक तरह से जादुई तरीके से यानी यू समझें लाइक ए मैजिक हैट उसमें वो डालते हैं और उसमें से पैसा निकाल लेते हैं आई ये कैसे हो गया ऐसा ही होता है आपको पता नहीं चलता फंडामेंटली आपने जो पर्चा साइन किया है वो वो रख लेते हैं आपको पैसा दे देते हैं आपको शुक्रिया कह के और रवाना करा देते हैं तो यह होता कैसे है इसको समझने के लिए हम एक एलेगरी कहेंगे एक कथा कहेंगे किस्सा कहेंगे जो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ हो लेकिन यह हमारा रिकन्स्ट्रक्शन एक तरह से कह लीजिए है कि पैसा जहूर पजीर कैसे हुआ करेंसी जो आज की तारीख की करेंसी है वो इस मकाम पर कैसे पहुंची तो उसके लिए हम आपको एक सुनार की कहानी सुनाएंगे तो बहुत पहले जब ये इतनी तरक्की नहीं हुई थी तो लोग गांव में रहते थे कबीलों में रहते थे यानी हम लोग कबायली थे आदिवासी थे तो अब ये भाई साहब जिन्होंने ये फिल्म बनाई है मनी इज डेट ये क्योंकि अमेरिका से हैं इन्होंने अमरीका का वहां के आदिवासियों का एक गाँव दिखाया है तो रेड इंडियंस का एक गांव है तो साहब उस गांव में लोग खेमों में रहते हैं तो उस खेमों में एक साहब की बीवी ने उनसे कहा कि भाई अपन को सबकी दावत करनी चाहिए बहुत अरसे से नहीं की है अपन ने नया खेमा बनाया है तो चलो इस खुशी में हम सब लोगों की दावत करते हैं तो एक काम करो कि एक भैंस ले आओ यानी वो लोग उस वक्त उनके यहाँ भैंसे बहुत थी तो उनका बहुत शिकार किया करते थे और वही खाया करते थे तो ये मान लीजिए एक यानी कथा है ये तो वैसे तो शिकार करते थे लेकिन ये इस तरह दिखाया है कि भाई उसने पाली हुई है तो अब आप उसके पास उस जमाने का सिक्का लेकर पहुंचते हैं तो उस जमाने का सिक्का क्या था ये हार था जो हार माने इसमें अलग अलग किस्म की सीपियां शेल्स वगैरह जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मानी जाती थी तो वो आप लेके जाते हैं उस आदमी के पास जो कि आपको भैंस देगा वो आदमी आपसे पैसा यानी रुपया यानी दौलत यानी करेंसी जो सिक्का रायजुल वक्त उस वक्त में उस समय में जो सिक्का चलता था वो आपसे ले लेता है और आपको लाके एक भैंस दे देता है ये तो एक्चुअली गौर यानी वहाँ का जो लोकल बाइसन है ये वो है तो वो दे देता है और उसके बाद फिर ये साहब उसे ले जाते हैं उसको काट पीट के उसको पकाने लगते हैं और फिर वो दावत हो जाती है जो इनका नया खेमा था उसको ये लोग टिपी बोलते थे तो टिपी वार्मिंग हो रही है जैसे हम लोग आज हाउस वार्मिंग करते हैं उस तरह तो उस जमाने में कई तरह के सिक्के चलते थे कई चीज़ों को धन का दौलत का प्रतीक माना जाता था कुछ लोग फेदर्स यूज़ करते थे कुछ लोग कॉफ़ी बीन्स यूज़ करते थे कुछ सीपियाँ यूज़ करते थे कुछ लोग अलग अलग किस्म के चमकीले पत्थर यूज़ करते थे तो अब हम ये देखें कि अगर ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लोग यूज़ करते थे तो उसमें से कौन सी चीज़ उन सब आ, उन सब शराइत पर पूरी उतरती है जो कि एक सक्सेसफुल करेंसी किसी भी चीज़ को मनी दौलत धन कहने के लिए जो शर्तें उस चीज़ को पूरी करनी हैं ये चीज़ें किस किस चीज़ पे पूरी उतरती हैं किस किस शर्त पे पूरी उतरती हैं किस पे नहीं उतरती तो मसलन जब इंसान ने नया नया आ, मेटल्स को इस्तेमाल करना शुरू किया था तो उस वक्त आ, मेटल टिप की यानी आ, ऐसी चीज़ जो आप भाले की नोक पे लगा लो और उससे फिर बहुत अच्छा शिकार कर सको उसकी बड़ी अहमियत थी तो एक जमाने में उसको भी सिक्का माना जाता था उसको दौलत माना जाता था लेकिन इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है सिर्फ शिकारी ही इस्तेमाल कर सकता है दूसरे लोग तो इस्तेमाल कर नहीं सकते तो ये एक चीज ये कमी है पैसा ऐसा होना चाहिए दौलत ऐसी होना चाहिए कि उसको हर शख्स इस्तेमाल कर सके जब तो हर शख्स उसको एक्सेप्ट करेगा फिर मसलन ये फर क्या अब इसकी क्वालिटी कैसी है ये तो कोई सिर्फ एक्सपर्ट ही बता सकता है बाकी कोई आदमी कैसे बता सकता है कि ये घटिया कस्म का फर है या अच्छे किस्म का फर है इससे अच्छी गर्मी मिलेगी कि घटिया गर्मी मिलेगी जल्दी खराब होगा लंबा चलेगा क्या होगा तो सिक्का वो होता है दौलत वो होती है जो हर कोई उसको पहचान ले जब मेरी वालदा हयात थी हालांकि उम्र हो गई थी उनको जरा मुश्किल होती थी सौ और पांच सौ रुपए के नोट के बीच में डिस्टिंग्विश uh, करने की करने में लेकिन फिर भी किसी तरह चश्मा उठा के पढ़ लेती थी हाँ भाई ठीक है ये पाँच सौ का है ये सौ का है इसमें तो किसी को पता ना चले कि ये पाँच सौ का होना चाहिए या सौ का होना चाहिए इसी तरह मेटल रॉड्स भी एक जमाने में आ, दौलत मानी जाती थी क्योंकि मेटल बहुत मुश्किल से मिलता था हर किस्म का मेटल आज की तारीख में आसानी से मिल जाता है उस वक्त बड़ी मुश्किल से मिलता था लेकिन आप कितना वजन ले लोहा तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट है तो एक बार आपको तरीका मिल गया कि लोहा किस तरह बनाना है और आपके पास इतनी सस्ती ए, ए, एनर्जी अवेलेबल हुई तो आप बना लेंगे आ, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो कितना लोहा लेके आप सर पे घूमेंगे तो अब इशू ये हो जाता है कि उसको भी आप यूज नहीं कर सकते तो फिर आप आइए अगले पॉइंट पे ये भी उस एक जमाने में किया गया था कि कैटल को गायों को भैंसों को बकरियों को पैसे के तौर पे इस्तेमाल किया गया था लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम यह हो गया कि अगर अगर आपको कोई ऐसी चीज लेनी है जिसकी कीमत के आधी भैंस के बराबर है तो क्या कीजिएगा आप भैंस को काट के तो बेच नहीं सकते आप मर जाएगी वो अच्छा दूसरे कई सोसाइटीज में गोश्त को नहीं खाया जाता था उसका दूसरा इस्तेमाल होता था मसलन भारत की सोसाइटी में आ, बहुत पहले तो सेक्रीफाइस वगैरह में इस्तेमाल होता था लेकिन आ, काफी हद तक आप देखें तो स्पेशली जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने के बाद से जानवरों को बहुत अहम माना जाता था लेकिन उनको खाया नहीं जाता था उसकी जगह उनका दूध वगैरह इस्तेमाल किया जाता था तो अगर आपको आधी बकरी या आधी गाय इस्तेमाल करनी है तो आप क्या करेंगे फिर तो दूध तो देगी नहीं उसके बाद जब आप उसको आधा कर देंगे तो तो इस तरह उसकी अहमियत जो है वो उसे एक शर्त पे पूरी नहीं होती फिर एक जमाने में नमक इस्तेमाल किया जाता था लेकिन नमक का प्रॉब्लम यह है कि बारिश हो गई आधा आधी दौलत तो आपकी बह जाएगी फिर होते 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 होते, होते बिलाखिर इंसानियत इस नतीजे पर पहुंची हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रेशस मेटल्स जो हैं वो इन ज्यादातर शराइ पर पूरे उतरते हैं तो बड़ी हद तक फिर ये हुआ कि सोना और चांदी और कुछ जवाहरात धन दौलत के प्रतीक बन गए वो धन या दौलत बन गए वो एक तरह से उस वक्त की दौलत बन गए उस वक्त का सिक्का बन गए कैसे कि जो लोग यानी सुनार वगैरह जो लोग ये प्रेशस मेटल्स सोने और चांदी को मैनेज करते थे उन्होंने उससे सिक्के ढालना शुरू कर दिए तो इस तरह से अहमियत बढ़ी सिक्के ढालने वाले की क्योंकि वो आपकी करंसी बना रहा है अक्सर यह होता था कि राजा बादशाह गवर्नमेंट खुद सिक्के ढलवाती थी जैसा कि हमने देखा कि शाह शेर शाह सूरी का स्टैंप किया हुआ पहला रुपया उससे भी पहले जब गवर्नमेंट्स ने यह ढालना शुरू नहीं किया था या उसके बीच में जब गवर्नमेंट्स के पास इतनी पावर नहीं होती थी तो उस वक्त सुनार ही यह काम करते थे सोना मैनेज कर रहे हैं उसमें वो सिक्के ढाल देते थे उसके साथ साथ अब अगला स्टेप तो अब अब पहुंच जाते हैं हम अपने सुनार के किस्से पर तो अब सुनार को क्योंकि ये सारे प्रेशियस मेटल्स रखने पड़ते थे तो उसको उसका सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी करना पड़ता था एक तिजोरी रखनी पड़ती थी कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी तो अब क्या हुआ कि दूसरे लोग जिनके पास भी पैसा था वो फिर आने लगे सुनार के पास अपना पैसा रखवाने के लिए पैसा उस वक्त क्या था यानी सोना और चांदी मेटल्स क्यों क्योंकि अगर उसको लेके घूमेंगे कोई उनको लूट के ले गया तो आपकी तो सारी दौलत खत्म हो गई और हर आदमी जिसके पास थोड़ी बहुत दौलत हो उसके लिए वो तिजोरी और सिक्योरिटी और सब नहीं रख सकता तो उसके पास ले जाके रखवाने लगे जाहिर ऐसे ही सुनार के पास रखवाते थे जिसपे भरोसा होता था जो कई पीढ़ियों से वहां पे काम कर रहा होता था तो अब आप उसके पास गए तो उसने आपका सोना रख लिया आपकी थैली रख ली और उसके बाद आपको एक रसीद बनाकर और दे दी इस रसीद पे उसने लिख दिया कि मेरे पास इनका इतना सोना डिपॉजिट रखा हुआ है इतना सोना मेरे पास मौजूद है अब क्या हुआ कि अब आप को जब वो सोना खर्चना हुआ तो आप गए रसीद ले जाके आपने उनको दी उन साहब को सोनार साहब को सोना वापस लिया और आपको जैसे मसला ना एक नया महल खरीदना है नई नई हवेली खरीदना है कुछ ज़मीन खरीदना है कुछ गायें खरीदना है तो आप वो सोना लेके गए और आपने जो बेच रहा है उसको दिया और उसके बाद फिर आपने वो चीज़ खरीद ली वो चीज़ अब आपकी हो गई अब जिस आदमी ने आपको बेची उसके पास सोना आ गया जाहिर है उसके पास भी तिजोरी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो अब वो क्या करेगा वो लेके जाएगा और उसी सुनार के पास वो भी रखवा देगा और वो भी उससे वो रसीद कटवा लेगा धीरे 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 करके क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि यार काहे को सोना हम डिपॉजिट करके फिर निकालें और दूसरा वाला फिर ले जाके डिपॉजिट करें उन्होंने कहा भैया ये रसीद है ये रसीद तुम रख लो बाद में उसके साथ चले गए कि हमारी ये ये बात हो गई थी ये रसीद मैंने इसको दे दी उन्होंने कहा ठीक ये रसीद इनकी हो गई धीरे धीरे करके वो चीज़ इतनी बढ़ी कि फिर वही रसीदें सीधे सीधे डायरेक्ट मार्केट प्लेस में बाजार में इस्तेमाल होने लगी और ये एक तरह से पेपर मनी की शुरुआत थी आप पहले तो थैलियां लेके घूमते थे फिर अब आप वॉलेट्स लेके घूमने लगे जिसमें आप अपना पेपर मनी यानी अपने कागज के पुर्जे जो कि एक्चुअली सिर्फ रसीदे थे हमने पहले कहा था कि आपने अगर, अगर अपनी शर्ट अपनी कमीज आपने धुलाई के लिए लॉन्ड्री पे दी है तो उसकी रसीद जो है वह आप पहन नहीं सकते अहमियत आपकी कमीज की है आपकी शर्ट की है उस रसीद की नहीं है तो उसी तरह अहमियत थी उस सोने की रसीद की नहीं थी अहमियत लेकिन जाहिर है आप रसीद घुमा के नहीं जा सकते थे कि भैया रसीद गुम गई अब मैं क्या करूं कुछ केसेस में वो सॉर्ट आउट हो जाता था कुछ केसेस में नहीं होता था तो धीरे 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 करके वो रसीदें जो हैं वो एक तरह से दे बिकेम द रियल थिंग उस रसीद को ही उसके बाद दौलत माना जाने लगा तो ये था पहला स्टेप अब अगला स्टेप जैसे जैसे सारा का सारा सोना सोनार साहब के पास पहुंच गया तो उनके आ, उनकी जो तिजोरी थी उसमें जगह ही नहीं बची उन्होंने ये भी देखा कि लोग एक्चुअली जो सोना रखवाते थे फिर वो वापस नहीं लेते थे क्योंकि वही रसीदें रोटेट करती रहती थी अच्छा अब जब इनकी तिजोरी फुल हो गई तो इन्होंने कहा कि चलो यार और वैसे भी करते ही थे उससे पहले भी करते ही थे कि चलो हम लोन दे देते हैं भाई अमीर आदमी से ही तो उधार लिया जाता है तो कोई गया कहने लगा कि भाई मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है तो इस वक्त ये मेरी जमीन गिरवी रख लो और मुझे कुछ सोना दे दो तो मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँ उसके बाद फिर मैं पैसा कमा के तो अपनी गिरवी की हुई ज़मीन तुमसे छोड़ा लूंगा तो मैं सोना वापस दे दूंगा उसमें फिर वही रसीदें चलने लगी धीरे धीरे करके तिजारत बढ़ी तिजारत बढ़ी तो उसके बाद यह हुआ कि फिर लोगों को क्योंकि बड़ी दूर दूर जाना पड़ता था और उसमें अगर वो आ, सोना चांदी लेके जाते लुटने का और ज्यादा खतरा था लोगों ने वही पेपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जैसा कि आपने कई दफा देखा होगा कि मारवाड़ी भाई एक शहर में दुकान लगाते हैं तो उनका कोई रिश्तेदार दूसरे शहर में भी होता है उस वक्त के सुनारों के साथ भी यही हुआ ये रसीदें एक शहर से दूसरे शहर जाने लगी इवन जो लोग लोन ले रहे थे वो लोग लोन भी कहने लगे भैया, तुम तो सीधी -साधी रसीद दे दो मुझे और कुछ नहीं चाहिए अब सुनार साहब को ये आइडिया आया कि यार देखो लोग पैसे तो यानी एक्चुअल सोना तो लोग मुझसे वापस लेते ही नहीं तो अगर मैं इन लोगों को कुछ आ, घुमा लू तो कैसा रहेगा क्यों क्योंकि भाई जो चीज वो लोग जानते नहीं है उससे उन्हें क्या तकलीफ होगी भाई मेरे पास इतना सोना है उसका मैं लोन देता हूं तो मुझे ब्याज मिलता है इंटरेस्ट मिलता है सूद मिलता है तो मेरा सोना तो इतना है जैसे सपोज एक किलो है तो उससे मुझे एक किलो के ऊपर इतना परसेंट ब्याज मिल रहा है अगर डिपॉजिटर्स जो मुझसे लेते ही नहीं है वापस मैं उनका सोना भी उधार दे दूं तो भाई वो ब्याज भी तो मुझे मिलेगा भाई उनका तो चार किलो सोना मेरे पास रखा है तो मुझे टोटल पांच किलो के ऊपर ब्याज मिल जाएगा भाई कौन ऐसा आदमी होगा जो फ्री में आने वाले फायदे को ठुकरा दे बेचारा सुनार भी नहीं ठुकरा पाया लेकिन उससे क्या हुआ कि उसकी इनकम बहुत बढ़ गई क्योंकि ना सिर्फ वो अपना सोना उधार दे रहा था लोगों को वो दूसरे लोगों का रखा हुआ सोना भी दे रहा था उधार उसने सोचा कि भाई जब आएंगे उस टाइम इनको दे दूंगा मैं थोड़ा बहुत पड़ा रखूंगा दे दूंगा जब ज्यादा अमीर हुआ तो लोगों को शक होने शुरू किया हुआ कि भैया यार ये हमें उल्लू तो नहीं बना रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें उल्लू बना रिया हो, हमारे पैसे तो इसने रख लिए और हमें पैसे दे नहीं दिया हमारा सोना तो इसके पास मौजूद है कि नहीं है पता तो करें तो भाई वो लोग गए उसके पास उससे झगड़ा करने के लिए उसने ले जाके दिखा दिया सोना क्योंकि भाई वो एक्चुअली सोना थोड़ी दे रहा था यार वो तो सिर्फ रसीदे दे रहा था सो so, दाछाओ वर सैटिस्फाइड उसके डिपॉजिटर्स ने कहा चलो ठीक है ये साहब जो हैं ये हमारा सोना तो ढंग से रखे हुए हैं लेकिन फिर इतने अमीर कैसे हो गए सवाल पूछा उन्होंने बता दिया भैया ऐसा 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 हो गया भाई अगर क्या करें मरता क्या ना करता वाली बात है सीक्रेट बात तो थी लेकिन अब लोग इतने इकट्ठे हो जाएं आपके खिलाफ तो फिर आपको सही बात बतानी पड़ती है बता दी अब जो बता दी तो लोगों ने कहा भाई देखो ऐसा है कि सिर्फ तुम क्यों फायदा उठाओ सोना तो हमारा है ना जो तुम दे रहे हो तो हमें भी उससे फायदा मिलना चाहिए एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट बैंक ओपनड एक तरफ तो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोन ले रहे हैं और इस तरह सुनार साहब ने अपनी कुछ इनकम इनकम की यानी वो इंटरेस्ट uh, की कुछ इनकम उन्होंने खुद रखी कुछ डिपॉजिटर्स को देना शुरू कर दी यह था अगला स्टेप तो अब बैंक तो बन गया उसके बाद क्या हुआ कि ये वही वक्त था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से यूरोप में प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने सारे कंज्यूमर्स को जो जो चीज़ें चाहिए थी वो फराहम कर दी लेकिन उनका प्रोडक्शन तो उससे भी ज्यादा था अब क्या करते इसके लिए अब उन्होंने सोचा कि बैरून मुल्क तजारत की जाए दूसरे मुल्कों में जाके अपनी चीजें बेची जाएं। तो इसके लिए अंग्रेज भारत आए चाइना गए और इसी तरह सारी यूरोपियन पावर्स जो हैं अपने अपने मुल्कों से निकल के बाहर चली गई तिजारत करने के लिए उसकी और तिजारत होती है पैसे से धन से दौलत से तिजारत होती है कर्ज से कर्ज उधार अवेलेबल जब तक नहीं होगा तिजारत होगी नहीं उसकी डिमांड बढ़ने लगी तो हमारे बैंकर साहब को एक और आइडिया आया उन्होंने कहा भाई ये बैंक तो मेरा है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं दूसरे को देखने की कोई इजाजत नहीं है लोग चुप हो गए हाँ भाई ठीक है तुम्हारा बैंक है हर एक के घर में जाके हम थोड़ी झांकते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे बैंक में भी नहीं झांकेंगे हमें तो अपने पैसे मिल रहे हैं बराबर डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन इन्होंने किया ये कि न सिर्फ अपना एक किलो सोना यानी उसकी रसीदें इन्होंने उधार पे चलाई ब्याज के ऊपर बल्कि जैसा कि एग्रीमेंट था डिपॉजिटर्स के चार किलो के साथ भी यही किया और उसके ऊपर और पांच किलो की फर्जी रसीदे के और चलानी शुरू कर दी क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि इसके तिजोरी में तो सिर्फ पांच किलो सोना है फिर ये दस किलो का उधार कैसे मार्केट में घूम रहा है लोगों को मालूम ही नहीं तो ये था बैंकिंग का मॉडर्न बैंकिंग का अगला स्टेप अगला कदम अब क्योंकि न सिर्फ बैंकर साहब के पास अपने एक किलो का ब्याज आ रहा था बल्कि वो चार किलो जिसमें से इन्हें कुछ अपनी इनकम बांटनी पड़ती थी डिपॉजिटर्स के साथ वो आ रहा था बल्कि अब फेक रसीदों का पांच किलो भी आ रहा था यानी पांच किलो का एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा था फेक रसीदों का तो अब जब इतना पैसा आने लगा तो बैंकर साहब और अमीर हो गए इनका बैंक और ज्यादा अमीर हो गया और ज्यादा बड़ा हो गया अब लोगों को धीरे धीरे करके शक होना शुरू हुआ अब जिसको शक हुआ उसने पहले आके अपनी रसीद पकड़ा दी कि भैया ये लो रसीद तुम तो मेरा सोना मुझे दे दो उन्होंने दे दिया बात फैली बहुत से लोग आने लगे लेने के लिए बैंकर साहब के पास पता चला कि भाई क्योंकि इन्होंने ज्यादा पैसे चलाए हुए थे इनके पास सबको देने के लिए सोना था नहीं क्योंकि जो उन्होंने फेक रसीदें चलाई थी वो कोई ना कोई लेने के लिए आ गया अब उनके पास होता तो देते उन्होंने तो इस कैलकुलेशन के ऊपर फेक रसीदें बना दी थी कि लोग तो आते ही नहीं है लेने के लिए लेकिन अब जब आ गए तो अब क्या करें मजबूरन बैंक क्लोज करना पड़ा और बहुत से लोग जिनके पास रसीदें थीं मगर उनको देने के लिए सोना नहीं था वो बेचारे खड़े टापते रह गए बड़ा शोर मचा अब उन रसीदों की कोई वैल्यू बची नहीं जिन लोगों जो लोग अपने आप को बहुत अमीर समझते थे वो बेचारे भिखमंगे हो गए उन्होंने इस बैंक इस बैंकर को यानी जो पहले सुनार था और अब बैंकर हो गया था इसको ले जाके कानून के कटघरे में खड़ा किया तो अब कानून ये कह सकता था कि तुम्हारी गलती है अब यह मत करना लेकिन कानून ने नहीं कहा तो ये था अगला स्टेप तो कानून ने ऐसा क्यों नहीं कहा क्यों कि हमारे बैंकर साहब ने उनसे कहा कि भैया तुम्हारे सारा जो तिजारत चल रही है सब बंद हो जाएगी ये तुम जो सब जगह हुकूमत कर रहे ये हो यह सब बंद हो जाएगी ये तुम जो सारा ऐश कर रहे हो ये सब बंद हो जाएगा उसके बाद जिन लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और जो गरीब हो जाएंगे वह आके तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तुम अपनी आर्मीज को पैसा नहीं दे पाओगे नेवीज को पैसा नहीं दे पाओगे वो सब आके तुम्हारा तख्ता उलट देंगे बहुत दम था उसकी बात में जाहिर है कि कोर्ट्स और सरकार और सब लोग उससे ब्लैकमेल हो गए और उन्होंने कहा कि अब हम आपकी फ्रैक्शनल रिजर्व को रेगुलेट करेंगे यानी ये कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि आपके पास जितना रिजर्व में पैसा रखा हुआ है जितना आपके पास एक्चुअल सोना रखा हुआ है उतनी ही रसीदें काटो हम ये कहेंगे कि आप उसके ऊपर थोड़ी रसीदें काट सकते हो मसलन अगर आपके पास अपना एक किलो मौजूद है और डिपॉजिटर्स का चार किलो मौजूद है टोटल पांच किलो तो चलो ठीक है आपने दस तक की काटी नहीं हम आपको अलाउ करते हैं ऑफिशियली अलाउ करते हैं कि आप दस तक की काट लो रसीदे ये क्या बात हुई भाई यानी ये कि ये कहा गया कि भाई हम दस से ऊपर नहीं काट देंगे तुमको लेकिन दस तक की तो तुम काट सकते हो चलो ठीक है चलता है ये तो वही बात हो गई कि पता चला मैंने मसाले की दुकान खोली और मैंने पिसा हुआ धनिया बेचना शुरू किया और उसके अंदर मैंने घोड़े की लीद मिलाना शुरू कर दी और मुझे आप लेके गए अदालत और अदालत में मैंने कहा जी साहब मैं तो सिर्फ फिफ्टी परसेंट लीद मिलाता हूं मैं पांच किलो लेता हूं धनिया और पांच किलो लेता हूं घोड़े की लीद और दोनों को पीस के बेच देता हूं हां आप कहेंगे तो और ज्यादा नहीं मिलाऊंगा पांच पर ही लिमिट कर दूंगा तो ये तो वही बात हुई अदालत ने कह दिया हां तो अब यानी जो आप पिसा हुआ धनिया खा रहे हैं उसमें आधी लीद है और अब आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं आधे से ज्यादा लीद नहीं मिला रहा हूं है ये कोई बात हुई भला या आप यूँ कह दें कि भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ मगर ये कि जब तक इसमें फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर जब तक बीफ टालो नहीं मिलाया जाता यानी ये कि गाय की चर्बी जब तक नहीं मिलाई जाती तो मज़ा नहीं आता तो आप ऐसा करो कि आप पांच लीटर ऑयल में सिर्फ पांच लीटर जो है चर्बी मिलाओ उससे ज्यादा मत मिलाना किसी और तरह से तो हम इसको किसी और चीज में तो हम इसको एक्सेप्ट करते नहीं लेकिन फाइनेंशियल में हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और उस लम्हे से उस मौके के बाद से मॉडर्न इंसान का बाजा बज गया कैसे बज गया कि अब गोल्ड जितना था उतने ही एक्सेस लोन यानी गोल्ड के बराबर तो लोन दे ही रहे उतने ही एक्सेस उसने देना शुरू कर दिए टोटल उसके पास जैसा हम बात कर रहे थे एक किलो अपना चार किलो डिपॉजिटर्स का टोटल पांच हुआ पांच का उससे कह दिया भाई टोटल तुम दस किलो की रसीदें निकाल लेना लेकिन वो तो साहब एक दफा आप गलत चीज करने की इजाजत दे दो तो फिर वो तो बढ़ता जाता है वो फ्रैक्शनल रिजर्व का जो परसेंट था वो बढ़ता गया एक वक्त वो आया कि पांच किलो सोने के ऊपर पचास किलो सोने का लोन दिया जाने लगा और जबकि उसमें से टोटल हमारे बैंकर साहब का जो एक्चुअल अपनी पूंजी है वो तो एक किलो की ही है उसके ऊपर जनाब पांच सौ जनाब ने पचास किलो का लोन दे डाला और यह चीज एक्सेप्ट हो गई एज अ रूल एज अ लॉ तो यह था अगला स्टेप मॉडर्न बैंकिंग का अब एक रिस्क को कवर करना था कौन सा रिस्क कि अगर लोग इकट्ठा अपना सोना मांगने आए तो क्या किया जाए क्योंकि ये तो बहुत सारे छोटे छोटे सोनार अपने बैंक लेके बैठे हुए थे तो एक सेंट्रल बैंक बनाया गया सेंट्रल बैंक का काम क्या था कि जब भी किसी बैंक के ऊपर रन हो इन द सेंस के लोग आए कि भैया हमारा सारा सो, सोना दे दो और उसके पास देने को सोना नहीं हो तो सेंट्रल बैंक से एक्स्ट्रा सोना भिजवा दिया जाएगा उसको कवर करने के लिए उसको हेल्प करने के लिए सेंट्रल बैंक बना कैसे सबके पास अपना एक एक सपोज दस बैंकर्स थे सबके पास अपना अपना एक किलो था सब ने कहा चलो ठीक है हम ऐसा करते हैं कि पचास पचास ग्राम इसमें से निकाल के सब सेंट्रल बैंक को दे देते हैं जब जरूरत होगी तो हमें मिल जाएगा कभी जरूरत होती थी किसी को इवन पांच किलो की जरूरत हुई तो सेंट्रल बैंक से चला गया पांच किलो वैसे जनरली उतने की जरूरत होती नहीं थी एक किलो दो किलो रहता ही था प्रॉब्लम जब आया जब बहुत सारे बैंक्स को इकट्ठा जरूरत पड़ी सेंट्रल बैंक की मदद की तो उस प्रॉब्लम पे हम थोड़ी देर में आएंगे अभी आप यह देखें कि पहले काफी सारा सोना होता था उसी के अगेंस्ट लोन दिया जाता था फिर उसके बाद आधा सोना उसके अगेंस्ट आधा फेक रसीदों पे बेस लोन होता था यानी आधे नोट जो होते थे वो फर्जी होते थे उसके बाद यह हद हो गई कि जो ओरिजिनल सोना था वो तो बहुत ही जरा सा बचा बाकी सारी जो थी वो लीगली काउंटरफीट रसीदें थी यानी जिसके आगे सोना तो मौजूद था नहीं लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी की इजाजत के तहत वो फ्रैक्शनल रिजर्व का गोल्ड का फ्रैक्शन कम से कम से कमतर होता चला गया एक जमाने में पैसे का मतलब दौलत का मतलब धन का मतलब वैल्यू होता था उसकी अपनी कोई वैल्यू होती थी उसकी अपनी कोई कीमत होती थी अब बन गया उसका मतलब कर्ज कि आपने कितना कर्ज दे रखा है मनी नाउ रिप्रेजेंट्स डेट तो अगर आप देखें तो बड़े पुराने जो नोट होते थे उसके ऊपर लिखा होता था गोल्ड या सिल्वर यानी कोई कीमती वस्तु थी जो उस पर्ची को बैक करती थी यानी जिस तरह के आपकी शर्ट जो एक कीमती वस्तु है जो कि इस उस लॉन्ड्री वाले की रसीद को बैक करती है उस तरह सिल्वर जो है वो बैक करता था डॉलर को या गोल्ड बैक करता था अब कोई चीज बैक नहीं करती अब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक क्रेडिट और ये क्यों किया गया उसी लिए कि वो जो प्रॉब्लम हो गया था बहुत सारे बैंकों पे बहुत सारे लोग सोना मांगने आ जाएंगे तो क्या होगा अब जो है सोने सोना देने का चक्कर ही खत्म हो गया अब सोना वोना नहीं दिया जाएगा अब आपको एक नोट के बदले दूसरा नोट दे दिया जाएगा बस यानी आप जाए अपने लॉन्ड्री वाले के पास कि भैया मेरी शर्ट दे दो धुल गई होगी आप रसीद उसको दो अरे साहब नहीं धुलपाई चलो ये दूसरी रसीद ले लो वो एक रसीद रख के आपको दूसरी रसीद दे देगा पता चला आप दस महीने तक दस साल तक उसके पास जा रहे है और आपको वो एक के बाद एक दूसरी रसीदे पकड़ाता जा रहा है शर्ट लेकिन आपकी निकाल के नहीं दे रहा तो ये है आज के ज़माने का मॉनिटरी सिस्टम और हर जगह यही है आप भारत का नोट देखिए उस पर लिखा रहेगा आई प्रोमिस टू पे दियर दिन रुपीज मैं धारक को दस रुपया अदा करने का वचन देता हूं ये दस रुपए के नोट पे लिखा होगा सौ रुपए के नोट पे सौ रुपया लिखा होगा बस और कुछ नहीं यानी ये कि अब सारा का सारा मामला सेंट्रल बैंक के बनाए हुए पर्चे के ऊपर चल रहा है अगर ऐसे पर्चे के ऊपर चल रहा होता तो भैया मैं पर्चे बना के दे देता हूं वही सोनार साहब के पास जाके और वो दे, दे मुझे बहुत सारे लोगों को सोने के कड़े पहनाने दे देता हूं लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता तो ये थी हमारे सुनार की कहानी अब हम ओरिजिनल कहानी पर वापस आ जाते हैं जिससे हमने के ये डिस्कशन शुरू किया था यानी आप गए बैंक वाले के पास और आपने जाकर उनको एक मॉडगेज डील के ऊपर साइन करके वो डॉक्यूमेंट उनके हाथ में पकड़ा दिया और उन साहब ने वो अपने जादुई हैट में उसको डाला और उसमें से नोट या पैसे या दौलत निकाल के आपको दे दी अब जो ये नोट है इसके ऊपर सिर्फ ये लिखा रहता है अमेरिका के नोट पे मसलन यूएस के नोट पे लिखा रहता है दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट उसी तरह भारत सरकार के नोटों पे लिखा होता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो अगर आप जाके किसी से यानी गवर्नमेंट से अगर आप मांगेंगे कि भाई आ, मुझे इसके अगेंस्ट में जो सोना और जो चांदी रखा हुआ है मेरा वो दे दो तो वो कहेंगे सॉरी कुछ नहीं है आपको दूसरा नोट मिल जाएगा बस बात ख़त्म हाँ ये ज़रूर है कि आप वो पैसे वो नोट ले जाकर आप बाज़ार में दें और बाजार से खरीद लें सोना या चांदी या गेहूं या चना या आ, अंडा जो मर्जी आए आपकी खरीदते रहे आप लेकिन अहम बात यह है कि अब यह सिक्का किसी चीज पे बेस्ड नहीं है वो ये चलता सिर्फ उसी वक्त है जब तक चलाने वाली ताकत मौजूद हो तो सद्दाम का सिक्का जो है आज इसलिए नहीं चलता वो नोट जो हमने देखा था सद्दाम हुसैन का वो इसलिए नहीं चलता कि आज सद्दाम नहीं है तो इस वजह से वो नोट भी किसी वैल्यू का नहीं है तो पहले जो चलते थे सोने और चांदी के सिक्के सिक्का तिलाई और सिक्के नकड़ई वो चले गए अब बचा है सिर्फ सिक्के फरमानी फरमान कौन देता है हुकूमत तो इस तरह अब ये मिली भगत हो गई बैंक्स की और सरकार की यानी आपका जो धोबी है आपका जो लॉन्ड्री वाला है उसने जाके दोस्ती कर ली कोतवाल से और शहर काजी से अब आप जाते हैं उसके पास कि भैया मेरी शर्ट वापस कर दो तो वो या तो बुला लाता है कोतवाल को और आपकी सुताई करवा देता है या चला जाता है कलेक्टर के पास या शहर काजी के पास तो वो आपके खिलाफ हुक्मनामा लिख देते हैं और अब आप उससे अपनी शर्ट वापस नहीं ले सकते आप जब जाएंगे वो एक पर्ची लेगा दूसरी पर्ची दे देगा तो ये है आज के जमाने का सिक्का फियाट करेंसी यानी सिक्के फरमानी अब सवाल ये उठता है कि टोटल पैसा दौलत धन है कितनी ये जो छपती जा रही है ये कितनी है पहले तो ये होता था जब सोने या चांदी का सिक्का चलता था कि जितना माल होता था बाज़ार में उतना ही उतने का ही सोना होता था उसी वही बैलेंस हो जाता था और अगर कभी ऐसा होता था कि लोगों ने सोने के सिक्के चांदी के सिक्के दबा के रख लिए हैं तो फिर मनी की शॉर्टेज हो जाती थी मनी की शॉर्टेज हो जाती थी चीज़ें सस्ती हो जाती थी लेकिन चीज़ें सस्ती होने का नुकसान ये होता था कि फिर आप को बिजनेस करने के लिए उधार लेने में मुश्किल होती थी आप बिजनेस नहीं कर पाते थे और अगर आपको उस वक्त बढ़ानी होती थी करेंसी तो फिर आप जाते थे गोल्ड माइन नई खोलते थे उसमें से सोना निकाल के लाते थे और दुनिया जमाने की चीजें बड़ा वक्त लगता था अब तो क्या है गए कुछ और लोगों से साइन करा लिए और नए सिक्के उसके बेसिस पे इशू कर दिए अब जो है अब सिक्के मेटल के इशू करना ज़रूरी नहीं है कागज़ के इशू करना ज़रूरी नहीं है अब तो सारा का सारा काम कंप्यूटर पे चलता है जहाँ इधर आपने साइन किया उधर बैंकर साहब ने अपने कंप्यूटर पे कुछ कीज़ दबाई और पैसा क्रिएट हो गया हम अभी कुछ मिनटों में वो पूरा साइकिल एक बार देखेंगे लेकिन आप ये देखें कि कितना बढ़ गया है टोटल उधार टोटल कर्ज कितना बढ़ गया है ये जो है ये यूएसए का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है जो कि 1975 में कुछ दो तीन ट्रिलियन के आसपास था और अब वो 55 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुका है तो ये सारा खेल है सिर्फ उधारी से चलने का और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का पहले जैसा हमने देखा कि बैंकरों को अलाउ किया गया कि भाई अगर तुम्हारे पास पाँच किलो गोल्ड है डिपॉजिटर्स का मिला के तो पांच फेक रसीदें बना दो हम कुछ नहीं कहेंगे वो बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी यहाँ तक के अब कोई पुरसान हाल ही नहीं है और अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है जब नया कोई बैंक खुलता है तो वो क्या साइकिल फॉलो करता है तो जनाब नया बैंक कैसे खुलता है आपके पास मसलन एक हजार एक सौ ग्यारह रुपए बारह पैसे हैं आप गए सेंट्रल बैंक के पास और आपने ये हाई पावर्ड मनी उनके पास जमा कराया अब आपको ये जमा कराने की रूह से ये ग्यारह सौ ग्यारह रुपए ग्यारह पैसे जमा कराने की रू से अब आपको इजाजत मिल गई दस हजार रुपये का लोन देने की यह है टिपिकली टेन परसेंट फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का कैलकुलेशन अगर फाइव परसेंट होगी तो वो कैलकुलेशन बदल जाएगा उस अगर फाइव परसेंट होती तो ये दस हजार के बजाय आप बीस हजार इशू कर सकते लेकिन अभी हम टेन परसेंट की बात कर रहे हैं या नाइन इंस टू वन रेशो की बात कर रहे हैं तो आपने ग्यारह सौ ग्यारह रुपए ग्यारह पैसे जमा कराए और आपको दस हजार रुपये का लोन देने की अथॉरिटी मिल गई अब आपका बैंक खुल गया अब आपने क्या किया कि आपने लोन एग्रीमेंट तैयार किया और किसी साहब को इतना लोन दे दिया जैसे ही दूसरे उन साहब ने वो साइन किया बैंक ने बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक की अथॉरिटी के तहत अब वो दस हजार रुपए का लोन आपको दे सकता है तो उसने वो पर्ची आपसे लेके रखी जिसके ऊपर आपने साइन किया था कि मैं इतने का उधार ले रहा हूं वो उसने लेके रखी और लेने के बाद आपके अकाउंट में जो अकाउंट आपका उसने खोला लोन अकाउंट उसमें उसने की इन कर दिया कि दस हजार रुपए इनके अकाउंट में आ गए कहां से आए कोई सोना नहीं आया इवन कहीं के नोट नहीं आए कहीं के नोट भी नहीं छपे उसने बैठे बैठे सिर्फ जो उसको अथॉरिटी दी हुई है सरकार ने उसके तहत बैंक ने दस हजार रुपए लोन लेने वाले के अकाउंट में जिसने साइन किया है उसके अकाउंट में डाल दिए तो अब क्या हुआ कि अभी तक टोटल मनी सारी दुनिया में या सारे मुल्क में जितना भी था वो तो था ही था उसके बाद ये क्योंकि नया बैंक खुला और इसने ये दस हजार रुपए जो है लोन दे दिया उसकी एंट्री कर दी उसके अंदर तो मनी सप्लाई बढ़ गई दस हजार रुपए बढ़ गए बस सिर्फ किसी साहब ने साइन किया और रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जिस, जिस बैंक को इजाजत मिली हुई थी उन्होंने उसके अकाउंट में ये डाल दिया दस हजार ही क्यों पंद्रह हजार क्यों नहीं इसलिए कि फ्रैक्शनल रिजर्व रेशियो जो बैंक ने अलाउ किया है उसकी वजह से क्योंकि ग्यारह ग्यारह रुपए ग्यारह या बारह जितने भी पैसे आप आ, बैंक ने डाले थे बैंक के ओनर्स ने डाले थे सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व बैंक के पास उसके बेसिस पे दस हजार का लोन देने की अथॉरिटी मिल गई सो उन्होंने दे दिया मनी सप्लाई जो है दस हजार रुपए बढ़ गई अब दस हजार रुपए लेकर वो आदमी जाता है एक पुरानी कार खरीदने के लिए पुरानी मारुति एट खरीद लेगा वो दस हजार रुपए में उसने चेक बना के दे दिया मैडम ने चेक ले लिया अपने अकाउंट में डाल दिया कहा जब क्रेडिट हो जाएगा जब गाड़ी ले जाना या जब हम उसको तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर देंगे ठीक है हो गया अब मैडम अगला स्टेप क्या है मैडम के पास जो दस हजार रुपए आए थे दस हजार रुपए उन्होंने जमा करा दिए अपने बैंक में ठीक अब यह फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का खेल फिर से चालू हो जाता है अब उन्होंने जिस भी बैंक में यह जमा कराए थे दस हजार रुपए वो वाला बैंक इस दस हजार में से क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेन परसेंट रिजर्व फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की तो उसमें से दस हजार रुपए में से एक हजार वो बैंक अपने पास अपने अकाउंट में रखे रहने देगा लेकिन जो बचे हुए 9000 हजार है उनका वो फिर से लोन दे सकता है और देगा तो अब एक दूसरे साहब को कुछ पैसे की जरूरत थी उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि भाई तुम्हारे बैंक से 9000 हजार रुपए लोन लेके दे दो क्या करती बेचारी बेगम उन्होंने लोन लिया और दे दिया इन साहब ने वो चेक ले जाके और अपने अकाउंट में डाला क्योंकि नहीं किसी को पे करना था अब जो ये नौ हजार जमा हुए तो इसमें से फिर वही रूल लागू होगा तो जिस बैंक में जो पति देव ने जिस बैंक में जमा किए थे वो बैंक नौ सौ अलग रख लेगा और बचे आठ हजार एक सौ का लोन अगले किसी शख्स को दे देगा तो इस तरह ये क्या हुआ कि वो जो राशन गुड़ियां होती थी ना एक के अंदर एक एक के अंदर एक वैसे ये बढ़ता चला जाता है यानी आगे से आगे चलता चला जाता है अमाउंट तो खैर कम होता चला जाता है लेकिन इस तरह जो ओरिजिनल आपने एक हजार एक सौ ग्यारह रुपये बारह पैसे जो सेंट्रल बैंक में जमा कराए थे उससे कहीं ज्यादा अमाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट मनी सप्लाई को ऐड हो जाता है थियोरेटिकली एक लाख हो जाएगा प्रैक्टिकली उससे थोड़ा कम होगा लेकिन आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा अमाउंट जमा करवाने के बाद से बैंकर्स ने कितना पैसा क्रिएट कर लिया है तो बैंकर्स के पास दो ही शराय होती हैं एक तो ये कि वो हाई पावर्ड मनी ग्यारह सौ ग्यारह रुपए बारह पैसे वहां जमा कराओ और उसके बाद जितने भी तुम्हारे पास डिपॉजिट्स हैं उसमें से दस परसेंट अपने पास रख लो एज ए फ्रैक्शनल रिजर्व और बाकी नाइन्टी परसेंट जो है वो आप उधार दे सकते हैं तो ये है जादू बैंक का आज के ज़माने की बैंकिंग की फिलॉसफी का कि बैंक जो है एक लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट करता है जो उसके पास थे नहीं उसके पास थे तो सिर्फ ग्यारह रुपए ग्यारह बारह पैसे लेकिन एक लाख के ऊपर वो कलेक्ट करता है इंटरेस्ट और ये पैसा जो है ये आउट ऑफ सर्कुलेशन सिर्फ उसी वक्त जाता है जब उसको कोई कहीं मतलब ज़मीन में गाड़ दे मसलन वरना तो ये सारे बैंक तो एक दूसरे से वेल well कनेक्टेड हैं तो एक्चुअली वो इट फंक्शंस लाइक अ सिंगल सिस्टम मतलब एक ही सिस्टम uh, की तरह पूरा वर्क करता है बैंक्स जो एक्चुअल लोन देते हैं वो पैसा उनके पास होता नहीं है बैंक्स लोन ओनली दैट द मनी विच दे डोंट हैव किसी किसी मुल्क में तो ये भी हो गया है कि सेंट्रल बैंक का रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है है ही नहीं जीरो है अब ये जो बात हमने कही कि बैंक्स वो पैसा उधार देते हैं जो उनके पास एक्चुअली है ही नहीं उसके लिए बड़ा अच्छा कोट है एवरी वन सबकॉन्शियसली नोज बैंक डू नॉट लेंड मनी सबको मालूम है कि बैंक एक्चुअली उधार नहीं देते वेन यू ड्रॉ ऑन योर सेविंग्स अकाउंट जब आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में से पैसा निकालते हैं द बैंक डजेंट टेल यू यू कॉन्ट डू दिस बिकॉज इट हैज लेंट द मनी टू समबडी एल्स बैंक आपसे यह नहीं बोलता कि आपका पैसा तो हम किसी और को दे चुके हैं अब हम कहां से दें भाई आप अगर मेरे पास इन माई पर्सनल कैपेसिटी आप मेरे पास सौ रुपया रखवाओ और कल लेने को आओ लेकिन आपके आने से कुछ घंटा पहले मैं वो किसी और को दे चुका हूं तो मैं तो यही कहूंगा ना कि भाई मेरे पास नहीं है मैं फलाने को दे चुका हूं लेकिन बैंक तो आपसे कभी ऐसा नहीं बोलता इसका मतलब यह हुआ कि वह एक्चुअली कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहा है और अब आपको पता चल गया कि वह गड़बड़ घोटाला क्या है अगर आप देखें तो बैंक के क्रेडिट के जरिए सौ में से पिछ रुपए में से पिचानवे रुपये जो है बैंक के क्रेडिट के जरिए पैदा जाते हैं। अच्छा अब ये ये सवाल पैदा होता है कि जो जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी है वो आपसे कहेंगे भैया डबल एंट्री सिस्टम होता है और बैंक जो है वो तो किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट ही ऐसा आ, दस हजार रुपए जो क्रेडिट किए थे पहले लोन के टाइम पे कहीं ना कहीं Uh, यानी यह कि उसकी uh, उ, उसको बैलेंस करने वाली एंट्री कहीं ना कहीं तो डाली जाती है तो क्या चीज बैलेंस करती है वो बैलेंस करती है जो उधार लेने वाले ने मॉडगेज डील साइन की है जो उसने आई ओ यू साइन किया है वो है उसका काउंटर बैलेंसिंग एसेट तो ये उधार की पर्चियां जो हैं, ये पोर्टेबल एक्सचेंजेबल सेलेबल बेसिकली मनी की तरह ट्रीट की जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सब है क्या ये सब एक आई ओ यू है ये सब है एक रसीद है जैसे कि आपके शर्ट की रसीद आपको आपके लॉन्ड्री वाले ने दे थी। दी थी अब ये बैंकर साहब तो सारा का सारा खेल आई के थ्रू करते हैं लेकिन अगर उनको अपने घर में कोई पेंटिंग टांगनी हो तो उसके लिए उन्हें असली हैमर की जरूरत होती है आपको असली शर्ट की ज़रूरत होती है लेकिन समहाओ ये हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ये कहता है कि नहीं असल में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो बेसिक फैक्ट तो साहब यही है कि पैसा कहीं किसी के पास कुछ नहीं है वैल्यू कहीं किसी के पास कुछ नहीं है जो है वो सारा का सारा सिर्फ लोन के एग्रीमेंट्स हैं सिर्फ उधार खाते में सारा का सारा काम चल रहा है जैसे जैसे उधार बढ़ता जाता है मनी सप्लाई बढ़ती जाती है जैसे जैसे उधार कम होता जाता है मनी सप्लाई कम होती जाती है जब उधार नहीं रहेगा मनी सप्लाई गायब हो जाएगी तो इंडिविजुअल्स को अलग अलग लोगों को जो है अगर उन्होंने अपने डेट्स अपने उधार पे कर दिए तो उनके पास वो अमीर हो जाते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है एक तरह से लेकिन सबके सब ने अगर अपने उधार पैदा कर दिए तो समाज के पास कोई पैसा बचता नहीं है इसलिए कि सारा गेम जो है उधार का है और इसी वजह से हर थोड़े टाइम में इकोनॉमी जो है वो फॉल्टर करने लगती है हर थोड़े टाइम में पता चलता है कि इकोनॉमी जो है लुढ़कने वाली है तो फिर कहीं से कोई आता है और जिस तरह के ड्रग एडिक्ट को ड्रग का इंजेक्शन दिया जाता है उसको फिर से ज़िंदा करके खड़ा कर दिया जाता है इकोनॉमी को हमारी फिर से ज़िंदा करके खड़ा कर दिया जाता है और ये हमने हिस्टोरिकली देखा कि जब मनी सप्लाई कम होती है तो प्रॉब्लम होता है मसलन द दे ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था यूएसए में उसमें सत्ताईस मनी सप्लाई में रिडक्शन हुआ था तो उसकी वजह से आज की तारीख में सारे बैंकर्स ये बिलीव करते हैं कि डेट बढ़ा बढ़ाते जाओ मनी सप्लाई किसी सूरत कम ना होने दो तो हम सारे वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उधार में रहेंगे जैसे जैसे उधार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मनी जो है पैसा दौलत बढ़ती जाएगी लेकिन कब तक यानी ये क्या प्रॉब्लम है क्या वजह है कि पैसे की कमी हो सकती है भाई चीज़ों की कमी हो सकती है अगर किसी साल आ, फसल अच्छी नहीं हुई तो अनाज की कमी हो सकती है अ, अ, अगर अ, खादी के अ, या कॉटन के क्लॉथ हैं अगर किसी साल कॉटन की फसल ख़राब हो गई तो उसकी कमी हो सकती है लेकिन पैसा तो सिर्फ एक नोशनल चीज़ है सिर्फ एक आइडिया है उसकी कमी क्यों होनी चाहिए लेकिन होती है तो यह जो सिस्टम हमारा चल रहा है इसके तहत कभी ना कभी पता चलेगा कि जो उधार है वो दुनिया को खा जाएगा वन थिंग टू रियलाइज अबाउट आर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम इज दैट लाइक अ चाइल्ड गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स एज लॉन्ग एज द म्यूजिक इज प्लेइंग देर आर नो लूजर्स यानी बच्चों का म्यूजिकल चेयर्स वाला जो गेम होता है जब तक आ, गाना चलता रहता है तब तक तो बहुत ठीक है क्योंकि चेयर्स तो कम हैं और बच्चे ज्यादा हैं घूमने वाले अब जब म्यूजिक रोकेगा तभी तो चेयर्स की कमी पड़ेगी ना म्यूजिक रोको ही मत चलने दो सारे टाइम तो यही प्रॉब्लम है लेकिन कभी ना कभी तो वो प्रॉब्लम जो है हमको परेशान करने ही वाली है क्यों क्योंकि आप ग्रोथ हमेशा दिखाते रहते हैं तो कहां तक ग्रो करेंगे आप एल्बर्ट बार्टलेट एक फिजिसिस्ट हैं उनका कहना है कि इंसानों की सबसे बड़ी कमी है यह है कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नहीं समझते यानी कोई भी चीज अगर हर साल हर महीने या हर किसी एक वक्फे के साथ अगर बढ़ाई जाती रहे तो कितने वक्फे के बाद वो कितनी हो जाएगी ये बात हम समझते नहीं है हमें सिर्फ एक या दो या तीन साइकिल्स दिखते हैं उसके आगे कुछ नहीं दिखता अब आप इसमें देखिए कि इसमें हमारे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम मुबाई खड़ा हुआ है हम बड़े खुश होते हैं जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है न्यूज वाले बोलते हैं एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन स्टडी एट अब तो हम थ्री परसेंट को भारत में तो बहुत कम मानते हैं और बहुत बुरा मानते हैं यूएसए में वो भी बहुत है लेकिन हमारे यहां सात परसेंट आठ परसेंट की बात करते हैं जो जो भी कुछ हो हम हमेशा बात करते हैं पॉजिटिव ग्रोथ की तो जो भी परसेंटेज हो उससे अल्टीमेटली एक एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है यानी धीरे धीरे करके बढ़ता है लेकिन जो अभी बढ़ रहा होता है वो आगे चल के बढ़ोतरी उसमें बहुत ज्यादा होती है समझने के लिए हम एक थोड़ा नस्बता आसान सा कैलकुलेशन ले लेते हैं के बजाय हम दस परसेंट की बात करते हैं आपने सौ रुपए उधार लिए तो अब जिसने आपको उधार दिए वो तो उसको बतौर एसेट देख रहा है और जो आपके सर के ऊपर उधार बढ़ता चला जा रहा है वो उसको ग्रोथ की शक्ल में देखेगा तो हम उसके नजरिए से अगर देखें तो दस परसेंट पे सपोज आपने इंटरेस्ट दस परसेंट इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया तो पहले साल सौ रुपये उधार थे अगले साल एक सौ दस हो गए लेकिन उसके अगले साल सौ रुपए पे नहीं लगेगा इंटरेस्ट एक सौ दस पे लगेगा एक सौ दस का दस परसेंट होता है ग्यारह रुपया तो वो हो जाएगा एक सौ दस प्लस ग्यारह 11, यानी एक सौ इक्कीस और उसके अगले साल जो लगेगा एक सौ इक्कीस पे लगेगा तो इंटरेस्ट ना दस होगा ना ग्यारह होगा वो ट्वेल्व पॉइंट वन होगा यान, यानी एक सौ इक्कीस प्लस ट्वेल्व पॉइंट वन यानी एक सौ बत्तीस आशारिया एक और इस तरह अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी तेजी से ये अमाउंट जो है बढ़ता चला जाता है तो इससे प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम इससे यह है कि जितना ग्रोथ बढ़ेगा उतने ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस और एनर्जी इस्तेमाल होगी बिना नेचुरल रिसोर्सेज के बिना ईंधन के आपका ग्रोथ आ ही नहीं सकता तो आपको उतने ही ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे आपको उतनी ही उतना ही ज्यादा आपका कचरा निकलेगा उस कचरे को भी आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा तो अगर आप इस तरह बढ़ते रहे तो इसका अंत कहां पे होगा इख्ताम कहां पे होगा देखें जमीन जो है अर्थ इज एन ऑबलेट स्फियॉयड यानी रफली एक स्फीयर की गेंद की शक्ल में है गेंद को आप ये सोच लें कि अगर आपको गेंद को बढ़ाते जाना है तो आप ऐसा करें कि एक क्या नाम से एक बच्चों वाली गेंद या गुब्बारा खरीद के लाइए बाजार से और उसमें हवा भरनी शुरू कीजिए एक लिमिट तक तो उसमें हवा भरते रहेंगे वो बढ़ता जाएगा कहीं ना कहीं जाके वो फूट जाएगा है कि नहीं हमेशा तो नहीं बढ़ सकता ना और चलिए ठीक है आप जमीन में हवा नहीं भर रहे जमीन तो एक्चुअली आपकी फूल ही नहीं सकती बढ़ ही नहीं सकती वो तो जितनी है वो उतनी ही है तो आप ये एक्स्ट्रा रिसोर्सेस जो इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्स्ट्रा कचरा जो आप क्रिएट कर रहे हैं ये कहा जाएगा तो इसका मतलब ये आपका जो परपेचुअल ग्रोथ का जो पैराडाइम है कि हाँ ग्रोथ होती जाएगी और फिर गरीब लोगों की गरीबी दूर होती जाएगी ये फेलेशस है ये ये बेवकूफाना है कैसे बढ़ाइएगा आप तक बढ़ाइएगा हर चीज के बढ़ने की एक लिमिट होती है और जैसा आप बढ़ाएंगे उसका कहीं ना कहीं तो आपको उसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा और हम उस नुकसान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं इस जमीन की इस धरती की ये जो हमारी माँ है हमारी वसुंधरा इसकी भी एक कैरिंग कैपेसिटी है आप अपने ही घर में देख लीजिए आप की ही माँ को देख लीजिए एक दो तीन बच्चे एक माँ अच्छे से संभाल लेती है आप उस माँ के ऊपर बारह बच्चे लाद दीजिए पच्चीस बच्चे लाद दीजिए कहाँ तक संभाल पाएगी हरेक की कैपेसिटी होती है हरेक की कैरिंग कैपेसिटी होती है मैं एक या दो बैग्स उठा के चल सकता हूँ स्टेशन के ऊपर आप पच्चीस बैग मेरे सर पर लाद देंगे मैं ले जा पाऊँगा क्या तो इस सब के बारे में आ, मैंने कई सारे प्रेजेंटेशंस तैयार किए हुए हैं मैं इसको इकोलॉजिकल इम्पेरेटिव नाम देता हूँ वो प्रॉब्लम जो हमारे सर पे आया चाहता है इसके बारे में कुछ मैंने टेक्स्ट मूवीज़ भी बनाई हैं एक का तो आपको यहीं पे यूआरएल लिखा हुआ मिल जाएगा आप चाहें तो देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है सोल्यूशन कई हैं मेरे अपने ख्याल से महात्मा गांधी का जो कंसेप्चुअलाइजेशन था लोकल लिविंग इकोनमी का हमें उसके करीब तक पहुंचना चाहिए ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसकी डिटेल भी दूसरी राइटिंग्स में दूसरे वीडियोज़ में मौजूद हैं इस वक्त मैं कवर नहीं करूँगा आप चाहें तो उनको देख सकते हैं लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम हमारे सर पर आकर अभी तांडव करना ही चाहता है तो हमें करना क्या चाहिए एक मुमकिन सोल्यूशन तो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर ही दिया है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं लेकिन सबसे पहले तो हमें इस निज़ाम को इस इकोनॉमिक मॉनिटरी सिस्टम को बदलना पड़ेगा इस मालियाती माशियाती निज़ाम को बदलना पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था हमें पूरी तरह बदलनी पड़ेगी उसके लिए बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे कुछ सवाल मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके उनको देख सकते हैं सिर्फ एक चीज़ पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा वो ये कि ख़ास तौर पर जो हमारी रिसोर्सेज कम हो रही हैं उसमें ख़ास तौर पर एक बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सामने आने वाला है वो ये है कि ऑयल और गैस बहुत जल्द हमारी ज़रूरत से कम प्रोड्यूस होंगे यानी हम ऑयल प्रोडक्शन की पीक को पहुँच जाएंगे और उसके बाद फिर ऑयल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगा उसी तरह गैस प्रोडक्शन के पीक को भी पहुँच जाएंगे और वो भी उसका प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमारे सामने प्रॉब्लम्स का परेशानियों का अंबार लग जाएगा इसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी के बारे में सोचना ज़रूरी है उसके बारे में थोड़े से स्लाइड्स और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अभी हम अपना मूलधन खा रहे हैं हम ब्याज नहीं खा रहे हैं यानी हम अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ तोड़ कर आ, अपना जीवन यापन कर रहे हैं हमारी जो इनकम है मंथली इनकम उसके ऊपर हम अपनी रोज़ी रोटी नहीं चला रहे हैं ऑयल और गैस जो हैं वो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स हैं हमारी रेगुलर इनकम जो है वो है सूरज की तोनाई और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं हमें उतनी ही चीज लेनी चाहिए जितनी चीज हम पैदा कर सकें ये एक बहुत अहम चीज़ है और सूरज के अलावा सोलर एनर्जी के अलावा विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी हाइड्रो बायोमास जियोथर्मल बहुत सारे ऑप्शंस हैं हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे जाकर कोल्ड फ्यूजन का प्रोसेस भी हमारी समझ में आ जाए हो सकता है उस वक्त हमारे पास अबेंडेंट फ्री एनर्जी अवेलेबल हो लेकिन अभी तक तो हमने यही देखा है कि देर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ देना ज़रूरी होता है और सबसे अहम चीज़ यह है कि हमारी जो इकोनमी है हमारा जो मालियाती निज़ाम है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सारी की सारी लीनियर प्रोसेस पे डिपेंडेंट है यानी ये कि हम किसी चीज़ को उठाते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं और कचरा करके फेंक देते हैं जबकि आप देखेंगे कि नेचर में प्रकृति में ऐसा नहीं है हर चीज़ का एक साइकिल है कोई भी चीज़ प्रकृति उठा के नहीं फेंकती है यानी अगर बारिश होती है तो नदी बहती है समंदर में जाता है पानी भाप बन के उड़ता है उसके बाद बादल ज़मीन पर आते हैं फिर बरसात होती है फिर हमारी फसलों को जान मिलती है और उसके बाद बचा हुआ पानी फिर से नदी में बहता हुआ सागर में पहुंच जाता है सो एवरी प्रोसेस इन लाइफ इज सिकलिकल हर चीज़ जिंदगी में जो है साइकिल के पहिए की तरह घूमती है हमें हमारी अर्थव्यवस्था भी वैसी ही करनी पड़ेगी हमारी ज़रूरियात की चीज़ें भी उसी तरह साइकिल में चलनी चाहिए और हमारी पॉपुलेशन भी उसी तरह हमारी आबादी भी उसी तरह साइकिल में चलनी चाहिए जितनी भी कैरिंग कैपेसिटी है हमारी धरती की हमारी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होगी तो फिर कम होने का खदशा नहीं होगा और ये सारा का सारा प्रॉब्लम जो हो रहा है जो हमारे सामने आ रहा है ये हमने देखा कि सिर्फ एक वजह से आ रहा है और वो वजह है हमारा सबसे बड़ा इनोवेशन यानी धन यानी दौलत इस आइडिया ने हमें बहुत फायदे दिए हैं लेकिन आज हमें एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के सामने लाकर ला खड़ा कर दिया है और अब अगर हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो फिर हमें अगली करेंसी ढूंढनी पड़ेगी अगला तरीका पता करना पड़ेगा और वो अगला तरीका शायद हमारा इससे भी बड़ा इनोवेशन होगा उसके लिए हमें धन दौलत को उसके फंक्शंस को उसके मैकेनिज्म्स को यानी जो पूरा मॉनिटरी सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें एक भी क्लास मॉनिटरी थियोरी पर नहीं होती मनी क्रिएशन के ऊपर एक भी क्लास नहीं होती हम टीवी पे हज़ार प्रोग्राम देखते हैं उस पर यह फ़ंडामेंटल चीज़ नहीं डिस्कस की जाती कोई समझता नहीं है जानता नहीं है कि पैसा किस तरह पैदा होता है और किस तरह मरता है किस चीज़ पर बेस्ड है आप अच्छे खासे दौलतमंद लोगों से पूछ लीजिए आप चाहें तो सड़क पे किसी को भी आ, कामगार आ, को पकड़ के पूछ लें यंग लोगों को पकड़ के पूछ लें टीचर्स को पूछ लें खेती हर मज़दूर से पूछ लें किसी से भी पूछ लें किसी को ये नहीं मालूम होगा कि पैसा पैदा किस तरह होता है इवन जो आपके बैंक के फ्रंट लाइन स्टाफ हैं वो भी इस चीज़ को नहीं जानते ये तरीका फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग का जो टू इस टू वन रेशो से शुरू हुआ था यानी जैसा हमने कहा पाँच किलो सोने पर पाँच किलो की और फर्जी रसीदें बना दो कोई बात नहीं हम आंखें मूंद के बैठे रहेंगे वो एक तरह से वो दरवाजे के अंदर पांव डाल के दरवाज़ा बंद करने से रोकने का तरीक़ा था बस बैंकिंग कबाल का और आज की तारीख में वो टू इज़ टू वन से बढ़ के शायद इन्फिनी इज़ टू वन हो गया है सारा पैसा सिर्फ उधार के ज़रिए क्रिएट किया जाता है सिचुएशन आज की बहुत बुरी है हम ये मानते हैं कि ग्रोथ के बिना उधार नहीं चुकाया जा सकता लेकिन अगर सारे उधार चुका दिए जाएं तो समाज के पास पैसा ही नहीं बचेगा ये सारा का सारा महल जो है ये सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स का बना हुआ है बिना ग्रोथ के चलेगा नहीं और ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारी दुनिया नहीं चलेगी तो हम जाएंगे कहाँ लेकिन सबसे पहले ये मनी एज डेट का कॉन्सेप्ट ख़त्म करना जरूरी है जो करेंसीज हमारे पास आज मौजूद हैं उनमें बदलाव लाना जरूरी है हो सकता है कि हमारा जो ओरिजिनल इनोवेशन था उसको हमें फिर से इनोवेट करना पड़े और इस दफा धरती माता के लिए हमारी अपनी माँ वसुंधरा के लिए और इससे बड़ा शायद कोई काम हमारे लिए इस वक्त हमारी प्लेट पर मौजूद भी नहीं है ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है सॉल्यूशंस तो बहुत निकल आएंगे बस ढूंढने की देर है धन्यवाद तो यूं इनोवेशन सीरीज़ का चौथा और आखिरी हिस्सा अख्तितम पजीर होता है थोड़ा और वक्त चाहूँगा आपसे कुछ स्लाइड्स जो मैंने इस सीरीज़ में दिखाए थे और मेरे ख़्याल से अहम हैं मैं उनको आपके सामने फिर से पेश करता हूँ और समरी भी पेश करता हूँ और उस दौरान कुछ दूसरी अहम चीज़ें जो मुझे आपसे गोश गुज़ार करनी हैं आपसे अल्तजा है आपसे अल्तमास है, आप है कि वो मुझे और कर लेने दीजिए तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि ये सुनार की जो मैंने कहानी सुनाई थी आपको ये तो बेसिकली एक ओवर सिंप्लीफाइड एलेगरी थी जो करेंसी का की दुनिया है ये इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है ताकि हम जैसे उल्लू समझ ना पाए कि ये सब है गड़बड़ घोटाला है क्या और और ज़्यादा उल्लू बनते जाएं लोग कहेंगे आपसे कि इस सीरीज में मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स और उनकी सेल uh, से जो गवर्नमेंट uh, मैनेज करती है करेंसी उसको टचअप नहीं किया बहरहाल वो सारी चीज़ें और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और मौजूद हैं लेकिन फंडामेंटल बात जो है वो ये है कि आज की करेंसी आज की फियाट करेंसी के पीछे हमारे भविष्य के अलावा और कुछ दांव पर नहीं लगा हुआ है कर्ज़ के अलावा और कुछ नहीं है करेंसी चलती है तो सिर्फ हम लोगों के इस वादे इस अंडरस्टैंडिंग पर कि हम वो कर्जा अदा करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ हम जैसे उल्लुओं को और ज्यादा उल्लू बनाने की तरकीबें हैं और कुछ नहीं हैं मैं इस सीरीज में इस एलेगरी में पॉल ग्रीनियन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी डॉक्यूमेंट्री मनी एज डेट में से कई सारे मैंने स्क्रीन ग्राफ्स लेकर ये कहानी आपके सामने पेश की है अगर आप इसके अलावा और इस सिलसिले से पढ़ना चाहें तो आप इन्हीं की साइट पर जा सकते हैं मनी एज डेट की साइट पर जा सकते हैं और आपको मनी एज डेट टू और मनी एज डेट थ्री भी देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर और इंटरनेट के दूसरे साइट्स पर आपको और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप चाहें तो वह भी देख सकते हैं uh, सिर्फ गूगल सर्च कर लें कुछ डॉक्यूमेंट्रीज uh, जो मेरे ख़्याल में अच्छी हैं उनका नाम आपके सामने बता देता हूँ फेडरल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम एक्सप्लेंड ये एक है इसके अलावा एक द स्टोरी ऑफ मनी वर्सेस फियाट करेंसी द स्टोरी ऑफ मनी वर्सेज फियाट करेंसी उसके अलावा मनी बैंकिंग एंड द फेडरल रिजर्व एक और द एसेंस ऑफ मनी और एक क्लासिकल द मनी मास्टर्स इसके अलावा भी बहुत सारी मौजूद हैं इस वक्त मुझे सारी की सारी याद नहीं है तो ये चीजें आप जब चाहे देख सकते हैं अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये कि मैंने इस सीरीज़ में कई सारी गलतियाँ की हैं जो मैंने जगह जगह पर सुधारने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर हिस्से में जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आपके सामने गोश गुजार कर दूँ फोर फोर्टी फाइव यानी चार मिनट पैंतालीस सेकेंड पर मैंने वचन कहा जो कि वरदान होना चाहिए था सिक्सटीन सिक्सटीन पर मैंने लॉ कहा जो पावर होना चाहिए था एटीन फिफ्टी और उसके बाद पांव कहा जो टांग होना चाहिए था 44, पर कॉफी बीन्स कहा पर कॉफी एक्चुअली कोको बीन्स होना चाहिए था एक घंटा छब्बीस सेकेंड यानी 1, 26, 29 पर मैंने ओनली लव्स एक्स्ट्रा कह दिया मुझे कहना चाहिए था बैंक्स लोन मनी दे डू नॉट मैंने उसमें ओनली का गलत इस्तेमाल कर लिया 13034 पर मैंने पैदा कहा जो मुझे अदा कहना चाहिए था वन थर्टी फाइव फिफ्टी सिक्स पर मैंने नरेशन करते करते हमें टोटल किया जो गलत कह दिया मैंने एक सौ बत्तीस आशारिया एक मैंने कहा जो कि एक सौ तैंतीस आशारिया एक होता है मुझे उसको और कुछ साल तक कंटिन्यू करना चाहिए था ताकि वो बात आपके जहन में क्लियर हो जाती calculation so um, I'll find more mistakes with this series in future you will find many more and your successors if they ever see this presentation they'll find it completely disastrous I'm sure of that then why am I making this PPT and you know fighting for truth in my mind fighting for truth and for knowledge and Against dogma, addressing ecological imperative and running down what I consider the most impactful innovation of humankind, one that led to almost all other innovations. Without money, you would get no major storable reward for your inno innovativeness. Thus, we as a species probably would not have innovated. Let's take an example. Suppose your family or tribe hunted with clubs, and you invented a spear. How long before other hunting party members stopped giving you bigger cuts? You know, initially they would give you bigger cuts because you're making them hunt larger prey and more easily. But how long before they stopped that? How long before other tribes copied your strategy and became as good? Uh, at hunting, neutralizing the advantage of your group, you had to develop after spear, maybe bow and arrow, maybe fire keeping, wheel, electricity, computers, at, uh, i don't know, every quarter end. with money, you can encash even a minor little innovation, like, like i enc encashed my innovation, which i had dubbed enub, the story of enub, some other time and just because of that i managed to retire at the age of 43 years from you know corporate work all this happened because of money yet i am sort of running down this innovation i am raising the ecological imperative flag i'm doing that because we correct old mistakes only with new mistakes New mistakes that are uh, our new innovations, and we desperately need one now—something that can replace this innovation, which has become a monster. Money. We must do that. See, I'm not sure that I'm 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 right, but then I think that this is something. Which more and more people need to think about, need to discuss, and debate. And if at all things can be or are as bad as what I think they are, we must find new ways, new paths. It is not that we can ever be fully right, but just that we can try being less wrong. Honestly i think we are all stupid, some more than the other, but overall we are all stupid. how else? you know, uh, the whole, you know, uh, out of the whole electromagnetic spectrum, we can just see visible light, and we think we are cats, whiskers. Uh, you know, i mean, there's lots that i can talk about this, but this is not the time. but what i want to say is that, in our world, the more cynical tend to exploit, the more stupid. In case of money, all of us. And we are being exploited. We'd better watch out. We'd better wake up. I feel that the only way out of this stupidity is for all of us. You know, the mainstream of society has to turn evidentialist right now all of our success is because of the evidentialism of a very small sliver of comparatively intelligent human beings who have done who have made all the innovations all the discoveries all the inventions the rest of us are just pests so the only way out is really for all of us to turn in my belief for all of us to turn evidentialist we must live our lives by evidence not by stories not by dogma I've, I've begun to experiment with seeing evidentialism as a religion why because I think human beings need a religion we are too lazy and and too limited in time resources sensory apparatus and processing power to think everything through so we will always want and thereby have Shortcuts. In my view, therefore, it is better to have a shortcut that misleads us the least. And a religion will always make at least some misleading claims. Any dogma will at least make some misleading claims, the worst of which are in uh, incontrovertible claims, because against their misleadership there is no appeal. So, right now, for example, one of the things which we are suffering with is the free marketism or the capitalism dogma. We believe that market is all knowing, all seeing, all correct, and therefore the dogma is really to stick by just market and you know what we believe is market as if the human world is all. There is that. There is nothing beyond economics, beyond human economics, and that's really stupid. I mean, resources come out of real world, not out of uh, gymnastics uh, of of human economy. Uh, you know. So, uh, say for example. At one point in time, uh, you know, the toothpaste uh, tubes used to have a narrower, uh, you know, cap, the narrower exit uh, point. Therefore, less amount of uh, toothpaste used to come out. And at that point in time, some, I believe, engineering students suggested that. Um, told some, some uh, one of the toothpaste companies that you give me so much of cut and I'll give you uh, um, um, uh, uh, a way in which you can increase the sales of your toothpaste uh, and uh, they agreed. It's, it's an allegory. I don't know if it's a true story but uh, that's when he said make the mouth of the toothpaste tube bigger and people will take more toothpaste out will spend more toothpaste therefore buy more toothpaste and that story is taught as if it was a great thing done by some engineering student it is uh, supposed to be emulated now what are we doing we are using extra resources and where are we going to get more and more and more resources and more and more um, dumps to dump our you know used toothpaste empty toothpaste tubes and what have you where are we going to get all that that is a part of real world that is a part of natural world which has a cyclical economy while the human economy is linear. We have to get to a cyclical economy. Human population growth is linear, it is just increasing. We are not ever looking at a cyclical, just replacement population uh, uh, reproduction. We are not looking at any of that. So, all this is happening in my belief because we are lost in a dogma that capitalism free marketism money greed is all good that is nothing can be wrong if it is being suggested by the human economy by the market no markets are truly free of course and Humans can't generate everything. If, if uh, you know, microbes were to disappear, we would die out in a jiffy. If, if, um, if an asteroid were to hit the Earth, we'll we'll die out pretty soon. And we are not looking at any of those things. We are just so completely lost in our own dogmas—some religious, some economic, some political. And this whole effort and the effort of my channel, in fact, of my life, is really to try and steer at least some of us away from dogma and to knowledge, to truth. It is said that Socrates at one point in time quipped, Wisest is he who knows he knows nothing wisest is he who knows he knows nothing you see being right is far less important than realizing what we do not know when we realize that that's when we start leaving dogma behind and start moving Towards truth, and it's not just that Socrates had said such things. Um, Lao Tzu has uh, said uh, similar things. There, such statements are available in Upanishads, uh, kane Upanishad, for example. Uh, you know, I, I uh, if you search my channel or if you search YouTube, you'll find kane Upanishad. Um, Text movie by me, and if you go to the English version at 400, you will have this quote He understands it who conceives it not. He understands it who conceives it not, and he understands it not who conceives it. It is the unknown to the man of true knowledge, but to the ignorant it is the known. It here, of course, is Brahman, the spirit of the, of, of becoming of being, the universe, basically truth, basically what is. So once again, he understands it who conceives it not, and he understands it not who conceives it. It is the unknown to the man of true knowledge, but to the ignorant it is the known. And all do dogmas, all dogmas try to convince us that we know. And that's why I say, steer clear of dogma, steer cl uh, clear of stories.

जो उसे तस्वुर में ढालने की कोशिश नहीं करता वही उसको समझा है जो उसे तस्वुर में ढालने की कोशिश नहीं करता जो उसकी चाहे सिर्फ माफी ज़हन तस्वीर बनाता है वह उससे वाकिफ नहीं है यानी सच से यानी हक से वाकिफ नहीं है यानी कायनात रूह कायनात से वाकिफ नहीं है तो वही उसको समझा सकता है जो उसे तस्वुर में ढालने की कोशिश नहीं करता जो उसकी चाहे सिर्फ माफी तस्वीर बनाता है वो उससे वाकिफ नहीं है रूह कायनात आरिफ की नजर में नाकाबिल इदराक और जाहिल की नजर में एक जानी पहचानी शय होती है thanks for watching so far i apologize for the really really long length of this part of the innovation series i also apologize for the long delay in posting this i was not well and i had to undergo some spine surgery and that is why it took so long and that's why i'm also recording this while standing up so just the concluding comments in uh, 1600s tasmanians that is Tasmanian human beings were discovered who had no stone tools and no fire in 1600s. Oppose this to the fact that bonobos are known to make stone tools, and at least one specimen has been observed to create fire using a lighter. And keep it going without any training whatsoever, purely by observing humans do it. He even plays Pac Man. I was amazed. I mean, I thought he was probably almost as good as I was in my heyday. Yeah. Anyway, so why do we think we are so smart? Why do we think we are so much better than other beings that exist? Why do we think that we know everything? That just shows how stupid we are. That's all. I mean, how would we know that there was another universe just a wee bit away from us in another dimension? I mean, I, I just can go on talking about our stupidity, but then. There's another point which uh, we need to talk about. We think that we are we are different because we are smart, and I don't think we are exceptionally smart. Look at this evidence which I have just presented to you. We think we can do logic, we can do math, we've got morality. No, all that exists in other primates. I mean, I have seen this uh, video where you have two monkeys in two different cages, and if one of them is given a better reward, a grape, for doing the same task as another one who is given a lesser reward, that is a piece of cucumber. The one who is getting the cucumber gets upset. I mean, it is a bit like us. I do the same work and I get paid like one tenth of what somebody else gets paid for the same work. I get upset. That's a part of our morality. So, anyway, that's a long discussion. I have done it elsewhere and I will continue to do it elsewhere. So, just one poem and keeping in mind that this part was in Hindustani, a Hindustani poem to conclude. Thank you very much for watching this part. नजम का टाइटल है निज़बुल आयन हर वह इंसान हर वह इंसान जो ख़ुद को बेवकूफ़ नहीं समझता वह बेवकूफ़ होता है हर वो इंसान जो ख़ुद को बेवकूफ नहीं समझता वह बेवकूफ़ होता है तो यूँ मैं बेवकूफ़ हूँ या तो इसलिए कि मैं खुद को सही मानों में बेवकूफ़ समझता हूं और क्योंकि मैं सही समझता हूं तो बेवकूफ़ हूं या शायद इसलिए कि मेरा इनके साथ सिर्फ एक पर्दा है दुनिया को एक सिनेमा दिखाने के लिए या अपना डर या गुरूर छुपाने के लिए और यूं सही मानों में मैं ख़ुद को बेवकूफ़ समझता ही नहीं लिहाजा मैं बेवकूफ़ हूँ दूसरे सब इंसानों की तरह फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी बेवकूफ़ी को जानता और मानता हूँ और उससे निजात ख़ारिज इम्कान समझता हूँ अपनी तमाम तर काविशों के बावजूद और उससे निजात खारिज खारिज इमकान समझता हूं अपनी तमाम तर काविशों के बावजूद लेकिन फिर भी कोशिश जारी जरूर रखता हूं क्योंकि यही कोशिश और सिर्फ यही कोशिश मुझे धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा कम बेवकूफ बनाती जाती है और शायद यही और शायद यही और सिर्फ यही हर इंसान कर सकने पर कादिर है और शायद यही और सिर्फ यही हर इंसान कर सकने पर कादिर है और शायद इसीलिए और शायद इसीलिए और सिर्फ इसीलिए पैदा होता है शुक्रिया सो फ्रेंड्स लिव बाय रियलिटी एंड नॉट स्टोरीज कीप गेटिंग अवे From dogma and keep getting closer to the evidential truth, the only kind of truth available to us. For that alone will allow you to innovate, and that is the only guarantor of success. Friends, keep. Innovating Friends, be happy.